सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जनाब सभी लोगों को वेलकम करता हूँ। सो गाइस, आईटीआई के फर्स्ट ईयर के आप लोगों को पता है एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आप लोगों को थ्योरी और ईएस के जो आपके निम्मी के क्वेश्चन, आपको पता है आपका जितना भी पूरा पेपर है गाइस निम्मी के क्वेश्चन में से आने वाला है। तो थ्योरी के और ईएस के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। 2.5 और 1.5 घंटे की वीडियो है तो आप लोग वो देख सकते हैं और आपको ईजिली सब चीज समझ आ जाएगी। इंग्लिश वाली ईएस वाली इंग्लिश में थी, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके मैंने आपको समझा दिया है। थ्योरी वाली भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात आती है मैथ्स की, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ देखिए, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा और जो क्वेश्चन है जो सॉल्व करने वाले वो भी मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करीबन, मैं आपको बताऊँ, 247 यानी कि 250 क्वेश्चन करीबन करने वाले हैं और उन 250 क्वेश्चन के बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो यहाँ एक ही करके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आपको जो आपका क्वेश्चन है मैं बोल के भी बताऊंगा और आपको यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे भी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखता रहेगा, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। तो अपन यूनिट का टाइप्स पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो कौन से दो टाइप हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फंडामेंटल एंड ड्राइव, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी है, यानी कि हम लोग कहें फंडामेंटल, विच इज फंडामेंटल यूनिट फ्रॉम द अबव। तो देखिए मेन क्या है, लेंथ यानी कि लंबाई, वजन नापने के लिए यानी कि वेट नापने के लिए मास, और आपका क्या है टाइम के लिए सेकेंड। तो लेंथ, मास और सेकेंड ये आपकी फंडामेंटल है बेसिक, ठीक है। इसके बाद आगे की काफ़ी सारी ड्राइव की जाएगी, वो इसी की हेल्प से होगी। अगला, एम के एस प्रणाली में एम का पूरा नाम क्या है, तो एम का नाम क्या है मीटर, एम का नाम क्या है गाइस मीटर है एम के एस प्रणाली में। अगला, एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो बात कर रहे हैं यहाँ एमएम की, ठीक है। सेंटीमीटर की पूछता तो 2.54 हो जाता, लेकिन अगर इसने एमएम पूछा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, क्योंकि एक सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। तो एक इंच में कितने एमएम हो गए, 25.4, 25.4। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एलसीएम कितना होगा किसका। चलिए अब क्वेश्चन हमारे सामने पहला आ चुका है, 12, 18, 6 और 36 का आपसे एलसीएम पूछा है। तो इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, आपको सीधे जो पहाड़ आता है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें 6 के पहाड़े से जाएगा तो 6 का लगा देते, 6 2 12, 6 3 18, 6 6 और 6 6 36। अब अगेन हम 2 का लगाएंगे, 2 1 2, ये 3 में जाएगा नहीं, 1 में भी नहीं जाएगा और 6 में क्या जाएगा 300 जाएगा। अब देखें यहाँ 1 का तो 3 का पहाड़ा जाएगा, 3 से लगा देते हैं, तो 3 से 1 तक 3 1 3, 1 का 1 आ गया और 3 1 3 ये 1 आ गया। अब क्या करेंगे, 6 × 2 × 3 कर दो, तो कितना आएगा, 6 2 12 12 3 36। तो देखिए आप करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका, 36। तो क्वेश्चन नंबर, अगर हम क्या बात करें क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट आंसर क्या होगा, 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 18, 42 और 24 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि सबसे बड़ी जो क्वांटिटी जो सबसे डिवाइड हो रही है, ठीक है, जो सब में भाग जा रहा है। तो अगला देखते हैं 18, 42 और 24 का एचसीएफ निकालना है। तो अब देखें यहाँ पे पहाड़ा सबसे पहले अगर आपको चलिए आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो 6 से कर दीजिए। देखिए 6 3 18, 6 7 42, ठीक है, और 6 4 24। चलिए अब देखें यहाँ पे क्या कोई कॉमन नंबर है जिससे पहाड़ा जा रहा है, नहीं कट रहा, तो हम लोगों का एचसीएफ क्या हो गया, 6, क्योंकि 6 वो नंबर है जो कि इन तीनों को डिवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, ये पूछा है दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है, और क्या दे रखा है, देखिए 7/3/7 यानी कि 7 सही 3/4 आपको दे रखा है। अब इसका क्या होगा, काफी आसान है, कोई हार्ड चीज नहीं है, 7 × 7 49 आपको बताया क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देते हैं +3/7, 49 को 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52/7। आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 52/7। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तो 0.000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। चलिए कोई हार्ड चीज नहीं है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, 0.000659 है, इसको भिन्न में बदलना है। तो देखिए आपको प्योर नंबर में बदलना है, इस नंबर को क्या करो, जितने पॉइंट के बाद डिजिट है उतने ही आप 0 से डिवाइड कर दो, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 से डिवाइड कर दो, 6 0 से डिवाइड करते ही हमारा क्या होगा पॉइंट, हम लोगों ने क्या करा कि जितने ये डिजिट है उनसे ही डिवाइड कर दो, तो ये पॉइंट हट गया, यानी कि अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6591.100000। चलिए तो ये हो गए आपके 8 क्वेश्चन। अब चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है, क्या कहता है कि 3/4 + 2/5 - 5/20। तो अब ये चीज देखिए, बीच में प्लस माइनस हो जब भी तो कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ देखते हैं कि कॉमन क्या है, तो गाइस कॉमन आ जाएगा 20। देखिए
चार, पाँच और बीस, इन सब में पाँच का पार अप्लाई होता है। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो यहाँ करके देख लीजिए, चार कोमा पाँच कोमा बीस। तो पहले अपन चार से करेंगे तो चार एकम चार, पाँच में तो जाएगा नहीं, और चार पंजे बीस, अब पाँच से ही दोनों चल गए ना, तो चार पंजे बीस, एलसीएम आ गया बीस। अब बीस का क्या होगा, बीस से करेंगे तो देखिए बीस में चार का डिवाइड करके देखिए पाँच बढ़ जाएगा, और पाँच में जाएगा आप उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया पंद्रह। अब बीस में पाँच का डिवाइड कितनी बढ़ जाएगा, चार बार, तो चार आया और चार इंटू दो आठ हो गया, माइनस का साइन तो यहाँ माइनस आ गया। बीस में बीस का डिवाइड कितनी बढ़ जाएगा, एक बार जाएगा, और एक को पाँच से करेंगे तो पाँच आ गया। अब देखिए पंद्रह और आठ तेईस, तेईस माइनस करेंगे अपन कितने पाँच, तो कितना आ जाएगा अगेन, अब तेईस में से पाँच माइनस करोगे तो अठारह आ जाएगा, तो अठारह बटे बीस। अब अठारह बटे बीस अपना आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है देखिए, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, दो नंबर अठारह दो दया बीस, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या आया, नाइन अपॉन टेन। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट आंसर हो गया आपका नाइन अपॉन टेन। चलिए क्वेश्चन नंबर दस देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर दस क्या कहता है कि डिवाइड करना है आपको 20 बटे 31 को डिवाइड करना है 15 बटे 16 से, 15 बटे 62 से। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है आपको घबराना नहीं है, बस ये जो नंबर है इसको उल्टा कर दो। तो देखिए 20 बटे 31 इंटू 62 बटे 15, अब देखिए कितना आसान हो गया, 31 दूना 62 आपको साफ साफ दिख रहा है, 31 का डबल, 5 से करेंगे तो 5 3 15, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 बटे 3, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका 8 बटे 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, बिल्कुल 8 बटे 3 नहीं दे रखा, अब इसको भिन्न में परिवर्तित कर रखा है। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको, दो सही दो बटे तीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीन दूनी छः और छः दूनी छः प्लस दो आठ, तो आठ बटे तीन यहाँ से आंसर आ गया। तो इसको भिन्न के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, सो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द गुणनफल, यानी कि गुणनफल क्या है किसका, 0.003 × 0.5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप क्या करें, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे तीन और पाँच का मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिए 15। ठीक है, अब पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद में जितने जीरो है उतने ही हमें से पहले जीरो लगाना है, एक दो तीन और चार। तो हमें क्या करना है, यहाँ पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद एक दो तीन चार जीरो लगा दीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.00015, सॉरी एक दो तीन चार पाँच हुए, तो हमें चार के बाद लगाना है, देखिए एक दो तीन चार ही हो गया आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.015। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। अब करते हैं सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 17.49 इंटू 5.2 अपॉन में देखिए क्या दे रखा है 6.5। अब कहता है कि आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, पॉइंट यहाँ से और यहाँ पर ऊपर सेम जगह पे पॉइंट है ना, एक के बाद, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन लोग, या तो यहाँ हटा तो यहाँ जीरो आ जाएगा और यहाँ हटा तो यहाँ जीरो, वो जीरो जीरो बाद में कैंसिल हो गए। अब देखिए 13 का अगर आपको पहाड़ा दिख रहा हो साफ साफ, 13 × 52 यहाँ पे दिख रहा है और 13 × 65 यहाँ पे दिख रहा है, तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती है, और नहीं दिख रहा तो फिर मेहनत करो, तीन से डिवाइड करो। ठीक है, लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि 13 × 52 13 × 65 अगर आपको याद होना चाहिए, और अभी तक अगर आप इतने बड़े तो 13 का पढ़ाना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे बात आती है, तो आप चाहे सीधे सीधे देखिए, अब यहाँ पे चाहो तो 5 से डिवाइड कर लो, ये हमारी मर्जी है कि हम इसे डिवाइड करें नहीं करें, नहीं करना। अब आप 17.49 को 4 से गुणा करें और उसमें 5 का भाग दे दें, तब आपका आंसर आएगा 13.9। यहाँ हमें थोड़ी सी मेहनत इस क्वेश्चन में करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करा दिए। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को, 225 मीटर लंबाई बहुत अच्छी बात है, अब ये कह रहे हैं 900 बराबर भागों में बांटने थे प्रत्येक भाग की लंबाई, तो भाई 225 मीटर है उसके कितने टुकड़े कर दीजिए, 900 तो डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 225 बटे 900 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब डिवाइड करना आना चाहिए आप लोगों को, 25 की अगर आपको टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपन 5 से काट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 5 एकम 5, यहाँ 4 गया, 5 अट्ठे 40, ये 0, 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, यहाँ 2 आया 25, अब आ गया 45 बटे 180। अभी भी आप इसे सही सही कैसे काट सकते हैं, देखिए अगर आपको टेबल याद होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात क्या है टेबल, तो 45 एकम 45 और 45 चौके 180, साफ दिख रहे ना भाई, 45 का डबल 90 और 90 का ये डबल 180 है, तो 4 पर चला गया। अब आपके पास आ गया 1/4 और 1/4 का मतलब क्या है 0.25, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया 0.25 मीटर। ठीक है, यानी कि 225 मीटर के 900 बराबर अपन टुकड़े करेंगे तो उसका आंसर आएगा 225 मीटर। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, तो ये कह रहा है 529 का वर्गमूल क्या होगा। अब 529 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो गाइस क्या करना पड़ेगा,
सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करते चले जाओ, ठीक है, डिवाइड करते चले जाओ। अब आपको दिख रहा है यहाँ 9 है, तो यहाँ 3 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, यहाँ टेबल से तो कट हो ही नहीं रहा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक आड़े से कटिंग होगा, ये 13 से, तो 13 से अगर इसको करेंगे तो 13 बार, फिर 13 से करेंगे तो एक बार, यानी कि इसका वर्गमूल क्या आ गया, 13 × 13, वर्गमूल क्या होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया 13। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो गया 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, तो 0.017 का वर्गमूल क्या होगा, तो अगेन आपको वही प्रोसेस करनी है, 0.017। अब देखिए ये थोड़ा जो प्रोसेस है अपन करा देंगे, बट काफी लेंथी हो जाता है, समझ नहीं आता, टाइम वेस्ट हो जाता है, तो अपन इसको स्किप कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं इसको छोड़ दो और आगे बढ़िए। और देखिए ये इस तरह का एक ही क्वेश्चन आपकी बुक में, मैं बता दूं आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आने वाले हैं, तो थोड़ा सा दिमाग से काम करेंगे कि एक दो क्वेश्चन तो हम लोग रट ही सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या दे रखा है आपकी बुक में, 0.13। ध्यान रखें इसका आपको सीधे सीधे आंसर रट कर जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अनुपात की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो, ठीक है। तो देखिए अनुपात क्या होता है, एक ही तरह की दो, अब अगर कोई दो नंबर किलोग्राम में है, ठीक है, तो किलोग्राम अपन किलोग्राम का रेशियो निकलेगा, ऐसा तो नहीं ग्राम और किलोग्राम का रेशियो निकाल दूंगा, या मैं किलोग्राम अच्छा वजन और वजन दो है, जैसे ग्राम किलोग्राम का भी निकालोगे, लेकिन क्या मैं रेशियो ग्राम और मीटर का निकाल सकता हूँ क्या, क्योंकि ये दोनों एक अलग क्वांटिटी हो गई, तो हम ग्राम और किलो मीटर का नहीं निकाल सकते, तो अनुपात हमेशा दो सेम क्वांटिटी का आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखें, 4 किलो और 800 ग्राम में क्या अनुपात होगा, चलिए अब बता देते हैं कि 4 किलो और 800 ग्राम में क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखिए 4 किलो, अब 4 किलो दे रखा है और क्या दे रखा है 800 ग्राम, अब ये तो ग्राम में है और ये किलोग्राम में, तो सबसे पहले इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया 4000 ग्राम और इधर है 800। अब इसे कट कर लेंगे अपन इजीली, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 8 × 8 और 8×40, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 5:1, आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 5:1 का करेक्ट आंसर आ गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 80% क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20, यानी कि आपको दे रखा है कि 80 का कुछ परसेंटेज 20 होता है, ठीक है, तो 80 का एक्स परसेंटेज क्या है 20 है, अब ये एक्स परसेंटेज कितना है वो आपको निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, 10 से यहाँ अपन मान लेते हैं 10 कट कर दिया अपन ने, ठीक है, अभी वहाँ सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 200 और ये 8 बचा जाएगा, 200 × 8 एक्स आ गया, अब इसको आपको कट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 50 और यह देखिए 50 को 2 से करेंगे तो 25, यानी कि एक्स के लिए कितने आ गई 25%। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस 25, क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर हो गया 25। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19, 40 किलो का 8% कह रहा है कि 40 किलो आपके पास कोई माल है उसका 8% कितना होगा, सिंपल सी चीज़ है, 20 से कट कर दिए, 20 × 40, 20 × 100 और 4 × 8 = 16, तो 16/5 आप लोग कर दीजिए, आप 16/5 करोगे तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 3.2, इतना तो हम लोग डिवाइड कर ही सकते हैं 16/5, तो करेक्ट आंसर आ गया 3.2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो गया बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 52% को भिन्न में बदलना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, परसेंटेज है तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, भाई बटे में 100 कर दो, भिन्न में आ गया, अब इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं कैसे, भाई इसको छोटे रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, अब इसे छोटे रूप में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको 2 का बड़ा आता हो तो 2 से ही कितनी बार जाएगा 26 बार, तो ये आ गया आपका 26/50, आगे और भी कटेगा कितना ही हो जाएगा 13/25, क्योंकि 2 से जाएगा 13 बार, ये 2 से 25 बार, तो अब आपका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो गया सी, यानी कि 13/25। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 0.456 भिन्न को परसेंटेज में बदलिए, 0.456 है, देखिए 0.456 है, ये दशमलव में इसे परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, पॉइंट के बाद 3 जीरो है तो 2 जीरो तो इसकी मदद से हट गए, तो क्या आ जाएगा 45.6% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि x² + 62 = 102 के लिए x का मान कितना होगा, तो यहाँ देखिए x² + 62 = 102 ये दे रखा है, तो इसको सॉल्व करके दिखाना है अपने को, अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्या करेंगे x² इधर है तो 102 के उधर चला जाएगा माइनस में, क्या होगा 62 माइनस में उधर जाएगा, तो 102 - 62 करेंगे। चलिए अभी भी देखिए अब क्या चीज आएगी कि x² + 62, अब इसमें से ये माइनस करके देखिए तो कितना आ जाएगा 40,
एक्चुअल में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दे रखा है यहाँ पे, माइनस प्लस की आपको पता है कि गलती है, और एग्जैक्ट देगी अगर हम देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 40, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। या तो ऑप्शन में आपको 8 दे रखा है यानी कि 8 के सबसे 64 आना चाहिए, और 64 तो यहाँ किसी भी कीमत पर आएगा ही नहीं, 64 यहाँ किसी भी कीमत पर आएगा ही नहीं, तो इसीलिए हमारा क्या होता है ये ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 22 कट कर देना, ठीक है, यहाँ पर रॉन्ग दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22, डेफिनेटली आप मान के चलिए, मैंने अगर आपको बता दिया कि रॉन्ग है तो ये रॉन्ग है। चलिए अब थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड की सफाई करना है। चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या 550.37 का वर्गमूल क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, इसका वर्गमूल आप लोगों को निकालना है। तो देखिए सीधा सीधा आप क्या करेंगे, 550 का जो वर्गमूल होता है वो निकालिए। तो ये भी अपने तरह का एक ही क्वेश्चन है, काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसका और आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर अपन क्या याद करेंगे 23.46। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो गया डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ आपकी बुक में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ समझेंगे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो दिमाग लगाएंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं यहाँ दे रखा है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 18 प्लस 2√2, ठीक है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे इसे, तो रूट 8 को आप अंदर क्या लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट 8 को लिख सकता हूं मैं 4√8, अंडर रूट 18 को मैं क्या लिख सकता हूं 6√3 लिख लो आप, या आप इसे ऐसे लिखेंगे 2 की टर्म में लिख रहे तो 9√18 और 2√2 तो है ही। अब देखें ये क्या हो जाएगा, अब अंडर रूट 4 का क्या होता है वर्गमूल 2 होता है ना, तो ये आ गया 2√2, ये 4 तो बाहर आ गया 2 बन गए, प्लस अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 2√2। अब यहाँ से देखिए 2√2 कॉमन आ रहा है तो रूट 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2 प्लस रूट 9 प्लस 2 बचा, अंदर क्या बचा, तो 2 और 2 तो 4 हो गए, देखें तो 2 और 2 4 हो गए ना, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस रूट 9। तो यहाँ तक तो देखिए हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, थोड़ी सी यहाँ पे आगे मेहनत करनी पड़ेगी कि अंडर रूट 9 क्या क्या होगा। अब देखिए अंडर रूट 9 का आपको पता है 3 हो जाएगा, तो यहाँ तो 3 लिखेंगे अपन लोग, यहाँ क्या लिखेंगे सीधे सीधे 3 लिखेंगे, तो ये 3 4 प्लस 3 7 हो गया, तो 7√2। अब आप इसे सॉल्व कर ले और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है 7√2। सो चले इस क्वेश्चन में एक गलती हम लोगों ने क्या करी कि यहाँ पे माइनस का साइन था, चलिए यहाँ माइनस का साइन लगा। अब देखिए अंडर रूट 9 का तो 3 आ गया, तो अगर यहाँ माइनस था तो ये प्लस का 2 और ये तो कैंसिल हो गए, तो अब फाइनली हमारे पास क्या बचा 3√2। अब 3√2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप इसे सॉल्व करेंगे 4.24, ठीक है 4.24, क्योंकि देखिए 3 का तो 3 है ही, लेकिन अगर आप रूट 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1.14 आता है, ध्यान रखें रूट 2 का था 1.141411, ठीक है 1414, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 4.24 ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो इस तरह के ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आसान आएगा, थोड़े बहुत डिफिकल्ट भी आ सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि एक त्रिभुज और उसकी 3 भुजाएं दे रखी है, देखिए ये आपके सामने एक त्रिभुज दे रखा है, इसकी 3 भुजाएं दे रखी है, ये 8 दे रखा है और ये 10 दे रखा है। तो आपको अगर एक फॉर्मूला याद हो कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो गया आपका आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। अब आपको आधार नहीं दे रखा, आधार आपको निकालना है यहाँ से, तो लंबाई उस तरफ के माइनस में जाएगी, तो आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर कितना है, कर्ण 10 का स्क्वायर 100 माइनस लंबाई कितनी 8 का स्क्वायर 64, अब इतना आ गया आपका 36 और ये एरिया स्क्वायर था, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 36 हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 6, यहाँ करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 6, तो आपका आधार कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे ये 6 दे रखा है, इसको 6 दे रखा होता तो भी क्या गलती कुछ नहीं है, यहाँ पे ये हो जाता 36 फिर यहाँ आता 64 और यहाँ भी 64 आ जाता, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता 8, ठीक है करेक्ट आंसर हो जाता 8, कोई बात नहीं है 8 आई 6 है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि अब दोबारा से वही दे रखा है डायग्राम, अब क्या दे रखा है देखिए 9 और 15 और 9 दे रखा है, और वही आपसे अब दोबारा से आधार पूछ लिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी कि कर्ण 15 का स्क्वायर देखिए 225
माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा गाइस, देखिए 200 144 आएगा, इसका क्या आएगा माइनस कर लेना, देखिए 5 में से किया 4 और पीछे भी करोगे तो आपका आ जाएगा 144 आएगा आपका। लेकिन अब यहाँ पे आधार स्क्वायर था, करेक्ट आंसर 144 यानी, तो ये स्क्वायर अंडर रूट में जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर 12। 144 का रूट क्या होता है 12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि हमारे जो क्वेश्चन नंबर 26 था उसका करेक्ट आंसर हो गया डी यानी कि 12। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिभुज है, दोबारा से एक त्रिभुज दे दिया इसने हमारे, ट्रायंगल के क्वेश्चन है सारे, उस ट्रायंगल में ए और बी भुजा, इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी, तो ए बी भुजा का मान कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर और बी सी भुजा है 5, यानी कि बी सी भुजा है 5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है अपन से कर्ण, कर्ण पूछ रहा है तो कर्ण कैसे हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस इसका स्क्वायर 25, चलिए 25, तो ये टोटल कितना होता है 64, कितना हो जाएगा ये 64 से तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये हो गया आपका 60, तो यही हो गया, ये आपका हो गया 74, ठीक है कर्ण स्क्वायर। अब यानी कि के इधर आ जाएगा अंडर रूट में, स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट में 7.4। अब देखिए ऑप्शन में आपके काफ़ी सारे दे रखे हैं तो अब आपको सूटेबल ऑप्शन निकालना है, ये 74 है, अब आपको क्या करना है इसका वही वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो 74 का वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा और करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8.6, करेक्ट आंसर आएगा 8.6। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि तीन लेंथ दे रखी है आपको L1 L2, अब L1 और L2 का रेशियो कितना है 2/3। ये देखिए अभी अनुपात वाले क्वेश्चन चलेंगे, L1 और L2 जिसका रेशियो दे रखा है 2:3 में, यानी कि ये टोटल कितना हो गया 5, और टोटल किसी चीज़ की लेंथ है 2.75 मीटर। अब 2.75 मीटर है और ये पूछता है L2 की लेंथ क्या होगी, तो बताइए L2 का मान तो 3 है लेकिन ये 2.75 पूरा है तो इसके 5 हिस्से कर लो, यानी कि एक हिस्सा इसका निकाल ले, तो 5 से डिवाइड करता हूँ, पॉइंट डेटा तो 50 है, 25 दूनी 50 और 25 को देखिए क्या करेंगे 25 से कम 25 दो गया फिर 25 तो 11/5, यानी कि मैं कहता हूँ 5.5 मेरा करेक्ट आंसर आ गया, 5.5 करेक्ट आंसर क्या 5.5 आया है एक के लिए, तो तीन के अगर इससे करेंगे इसके तो कितना जाएगा 5.5 × 3 5.5 × 3 कितना हो जाएगा गाइस आपका, देखिए 5 से 15 और 1.5 जोड़ दो उसमें तो 16.5, तो करेक्ट आंसर देखें कहाँ दे रखा है करेक्ट आंसर बिल्कुल 16.5। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे था हमारा 2.75 की रेंज में, 2.75 की रेंज में था तो यहाँ देखिए क्या जाएगा 1.65, क्योंकि हमने पॉइंट उठा के वहाँ डिवाइड कर लिया था, लेकिन एक्चुअल में हमारा क्या है 2.75 है तो उसको भी वहाँ डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक मैकेनिकल को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है MDH, ठीक है आपने अगर MDH वाला फॉर्मूला पढ़ाओ तो कितने आदमी कितने काम को कितने दिन में करते हैं, तो यहाँ दिन आता है डेज, ठीक है यानी कि 3 दिन में करते हैं लेकिन काम कितना कर रहे हैं वो 8 मशीनों को असेंबल कर रहे हैं, तो 8। अब ये यही पूछ रहा है यदि 64 मशीनों को असेंबल करना हो तो बिल्कुल भाई कर दे, 64 मशीनों को असेंबल करना हो तो यही काम कितने दिन में होगा एक दिन में होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा अपन यहीं से देखें 8 × 1 = 8 और 8 × 2 = 64 और ये 8 है ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 12 में कितना आ जाएगा 24, यानी कि कितने दिन लगने वाले हैं 24 डेज लगेंगे हमें टोटल काम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 180 mm व्यास वाला टायर 60 mm व्यास वाले टायर पर जुड़ा हुआ है, ठीक है और बड़ा टायर 60 rpm से घूमता है तो छोटे टायर का rpm क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 30। अब देखिए यहाँ पे कि 180 mm वाला टायर है तो रेशो की अगर हम बात करें तो देखिए 180 mm का और एक 60 mm का, तो ये एक तो ये तीन, ठीक है ये एक तो तीन। अब कहता है कि बड़ा टायर 60 rpm से घूमता है तो छोटे टायर का rpm कितना होगा, तो ये 60 rpm से घूम रहे तो इसका 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा ना, सीधी सी बात है ये 1 गुना तो इसका 3 गुना हो गया, तो क्या हो जाएगा 60 × 3 = 180 rpm, ठीक है आंसर आपको भले ही दे रहे हैं लेकिन आंसर वो क्यों आए तो ये अपने को पता होना आवश्यक है। अगला यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टीन का वजन 2.7 किलोग्राम है तो तांबे का परसेंटेज कितना होगा, ये हमें निकालना है, काफ़ी आसान है। सबसे पहले मुझे टोटल वजन पता होना चाहिए, वो क्या है 42.3 + 2.7, तो ये टोटल वजन हो गया मेरा 45 किलोग्राम अपाना टोटल वजन है, लेकिन अब ये कहता हूँ कि तांबे का वजन कितना है तो मुझे तांबे का वजन निकालना है,
या परसेंटेज, तो 45 का क्या परसेंटेज 42.3 होगा, क्योंकि टोटल तामा 42.3 है, तामा 42.3 है, लेकिन टोटल दोनों का भी 45 है, 45 का क्या परसेंटेज 42.3 होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आंसर। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करें, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, 10 आ जाएगा, इसको आप इससे अगर डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, और 10 को आप इधर काट लें, कट कर दीजिए, आराम से कर दिया, 5 9 45, 5 2 10, इसको वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे 9 से डिवाइड कर देना, तो अब आपका टोटल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 94%। तो इतनी सी मेहनत तो आप लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाली, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की छोटी सी मेहनत तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 रुपये में बेचा गया, क्या करा इसने, एक मोटरसाइकिल के टायर को 300 रुपये में बेचा और उसे 25% का लाभ होता है, कितने का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, तो खरीद का मूल्य बताइए। तो यहाँ आपको फॉर्मूला क्या लगाने, देखिए लाभ बराबर होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ये लगाइए। आपको कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 300 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 300, यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा, तो देखिए लाभ कितना दे रखा है आपको, ये कहता है कि 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, तो यहाँ लिख दीजिए 25, तो यहाँ आपको 100 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर यहाँ कर लीजिए, यहाँ 0.25 करके आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा, अगर इसका आंसर आप लोग निकालेंगे तो यहाँ आपका आंसर आएगा 240 रुपये। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आप ये तरीका सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड पड़ता है, यही अगर मैं इसके ऑप्शन से सॉल्व करने का सीखूँ, तो देखिए 200 ऑप्शन में आपके क्या है, 200 220 240 और 260, अब इनमें से ये बताइए कि आपको क्या दे रखा है, बेचा 300 रुपये में, तो कौन सी ऐसी चीज है, अब उसके आप हिस्से कीजिए कि आपका 300% का आपका आ जाए, 25% का लाभ है, ठीक है, यानी कि 5 टुकड़े कर रहे हैं आप, 25% का लाभ कितना हो गया, 100 में 25 जोड़ोगे तो 125 हो गया, यानी कि 125, अब 125 के बराबर टुकड़े कितने होंगे, 5, ठीक है, बराबर टुकड़े कितने हो गए, 125 के 25 के 5 टुकड़े हो गए, तो अब आप देखिए कि 5 हिस्से बराबर कौन से हो रहे हैं 300 के, ठीक है, यहाँ देखें कि 200 का अगर देखो तो 200 के 4 टुकड़े कितने होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 200 का 25% निकालूं तो कितना हो गया 50, नहीं तो 250 हुआ, तो ये गलत हो गया, 220 का 25% निकालूंगा तो कितना हो गया 55, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि 220 प्लस 55 300 हो गया ना, 240 का आप लोग निकालिए कितना, 25%, 240 का 25% कितना होगा, देखिए 60 होता है, तो 240 प्लस 60 300 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 240, करेक्ट आंसर आपका 240 इस तरीके से आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 18.5% को दशमलव में बदलिए, बड़ा आसान काम है भाई, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, 18.5% है तो इसको 100 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, ये 2 पॉइंट के बाद आएगा, तो 0.185, ठीक है, मतलब नीचे 100 है तो पॉइंट दो के बाद और खिसक जाएगा, तो 0.185 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो गया आपका ए। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, तो देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अब आ रहे हैं। चलिए तो देखिए कि इनमें से एक अधातु कौन सा है, अब ऑप्शन क्या है आपके सामने, देखिए मरकरी ग्रेफाइट ब्रास और आयरन, तो अधातु की हम बात करें तो देखिए मरकरी ब्रास आयरन इन सब में कंडक्शन होता है, करंट फ्लो होती है, यानी कि अधातु कौन सा है आपका, ग्रेफाइट एक अधातु मटेरियल है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा, वो कौन सा आइटम है जिसमें लोहा काम में आता है, ऑप्शन देखिए ब्रास मेटल, ब्रॉन्ज मेटल, जिंक या फेरस मेटल, तो फेरस लोहे का ही दूसरा नाम है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, किस धातु में लोहा पाया जाता है, फेरस मेटल के अंदर। 35 का करेक्ट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसका बताइए उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं है, अब जिस धातु में लोहा नहीं है तो वो होता है नॉन फेरस, यानी कि 36 का करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है, तो देखिए यांत्रिक गुण यानी कि मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल चीजें कहते हैं टूटना जुड़ना, ठीक है, या डक्टाइल, तो यहाँ देखिए डक्टिलिटी यानी कि तन्यता, यानी कि एक डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, अगर डक्टिलिटी कम होगी तो वो हमारा मेटल या जो कंडक्टर है वो तुरंत टूट जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, इनमें से भंगुर धातु कौन सी है, तो वो कौन सी धातु है जो भंगुर है, तो देखिए कास्ट आयरन काफी ज्यादा भंगुर हो जाती है, यानी कि वो बहुत जल्दी टूटती है, जबकि इस्पात माइल्ड स्टील अलॉय स्टील बहुत ज्यादा टाइट रहते हैं, जबकि 38 का आंसर आपका भंगुर धातु, तो भंगुर धातु क्या होगा, कास्ट आयरन भंगुर होता है, क्योंकि ये जल्दी से इतना मजबूत नहीं होता, भंगुरता मीन्स ब्रिटलनेस यानी कि मजबूती, ठीक है, हार्ड नहीं है इतना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के रूप में प्रतिरोध प्रदान करती है,
अब यानी कि हम बात करें कटिंग की और वो हार्डनेस, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, हार्डनेस। जो चीज जितनी ज्यादा कठोर होगी वो तो उतना काट पाएगी या कटने को रोक पाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, धातु का कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होता है, यानी कि कोई फ्रैक्चर नहीं होगा उसके अंदर और उसका विरूपण हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो चेंज हो जाएगी, तो वो कैसे होती है, प्लास्टिसिटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टिसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, धातु की कौन सा गुण बल हटाने पर या धातु पर कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपता तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता, यानी कि वो कौन सी चीज़ है, अगर आपने उस पर फोर्स लगाया तो वो शेप बदल लेगा और जैसे आप छोड़ोगे तो अपने पुराने शेप में वापस आ जाएगा। तो इलास्टिक, रबड़, रबड़ क्या होता है, आप कितना भी खींच लो रबड़ को तो वो खींच जाएगा, लेकिन जैसे आप छोड़ोगे तो वो वापस अपने रूप में आ जाएगा, तो इसे कहा जाता है इलास्टिसिटी। अगला है, इनमें से धातु की कौन सा गुण, इनमें से धातु का कौन सा गुण जिसे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है, तो वो कौन सा है जो धातु पर गर्म करने को पिघल जाएगी, तो फ्यूजिबिलिटी यानी कि गलनीयता। आपने फ्यूज देखा होगा, फ्यूज में भी क्या होता है, तार आपका गल जाता है, तो फ्यूजिबिलिटी क्या है, गलनीयता, ठीक है, फ्यूजिबिलिटी यानी कि आप गर्म करोगे तो वो गल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग अद्भुत विद्युत बल्ब के फिलामेंट में, तो आपने बल्ब देखा होगा उसमें फिलामेंट लगाया जाता है, जो पुराने वाले बल्ब है जो येलो रंग की लाइट देते हैं, तो उसमें फिलामेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का, ध्यान रखें फिलामेंट के रूप में वहां प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 44, पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातु में प्रयोग की जाती है, तो ध्यान रखें पीतल बनाई जाती है तांबे और जिंक से, पीतल एक मिश्र धातु है, ध्यान रखें हमेशा की पीतल एक मिश्र धातु और ये बनाई जाती है कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं की जा सकती, तो वो कौन सा कास्ट आयरन है ढलवा लोहा जिसमें वेल्डिंग नहीं कर सकते, तो व्हाइट कास्ट आयरन, सफेद कास्ट आयरन की वेल्डिंग नहीं की जा सकती, जबकि ग्रे कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन और नोडुलर कास्ट आयरन की वेल्डिंग की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से किस धातु को फोर्ज्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है, इनमें से किस धातु को फोर्ज्ड नहीं किया जा सकता है, अलॉय स्टील, माइल्ड स्टील, स्टील या कास्ट आयरन, तो यहाँ कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से, अब आपने देखो मशीनी भाग है जितने भी मशीन के ऑपरेटर्स है तो उनको आपको इतना भारी बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कास्ट आयरन, ध्यान रखें मशीन के जितने भी भाग होते हैं वो सभी कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। आपने पढ़ा था मशीन का योग, डीसी मशीन, डीसी जनरेटर का, तो वो भी किसका बनाया जाता है, योग का। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, कास्ट आयरन, लेकिन कास्ट आयरन में भी कौन सा कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 47 करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, तो लो अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग, तो विच फर्नेस इज यूज टू गेट पिग आयरन फ्रॉम आयरन कोर, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्लास्ट फर्नेस, यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 48 का करेक्ट आंसर है ब्लास्ट फर्नेस। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग, तो ध्यान रखें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ढलवा लोहा बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, कपोला भट्टी का इस्तेमाल करोगे, कौन सी भट्टी आएगी, कपोला भट्टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है, तो लो कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या होता है, माइल्ड स्टील, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइल्ड स्टील। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, मध्य कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना रहता है, तो कार्बन वहां देखें 0.25% से लेके 0.5% तक कार्बन में रहता है, तो मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन कितना रहता है, 0.25 से 5% तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 53, मध्यम कार्बन, अब हाई कार्बन स्टील में कितना रहेगा, सबसे ज्यादा, यानी कि मैं बात करूं तो 0.5% से लेके 1.5% तक कार्बन रहता है हाई कार्बन स्टील में, लो कार्बन में 0.25 से 0.5 और हाई कार्बन में 0.5 से लेके 1.5% तक कार्बन रहता है। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट, ऐसे लिखते हैं ये, हाँ इस पहले AU, बॉक्साइट, ध्यान देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन क्या है कि धातु का यह गुण जिसमें धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है, यानी कि तार टूटेगा तो नहीं लेकिन फिर भी उसे खींचा जा सकता है, तो वो क्या होता है, डक्टिलिटी। तो इसका गुण क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी, धातु को नहीं खींचा जा सकता, खींच लो बिल्कुल कितना भी और वो टूटेगा नहीं, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कुचालक है, हम बात करें कुचालक की, जबकि कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर तो चालक होते हैं और बाकी जो कुचालक है वो क्या है आपका, ध्यान देखें माइका, अब माइका वो नहीं है जो आपके
फर्नीचर पर लगी रहती है वो होता है सनमाइका, ये मायका है अभ्रक, जिसे हिंदी में कहा जाता है अभ्रक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस सर्वर का, आप देखिए जो भी विद्युत केबल है या फिर कंट्रोलिंग वायर के रूप लिए इंसुलेटर के रूप में कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका यहाँ पे सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ बताना है कि आपको परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग करेंगे, कोबाल्ट स्टील। ऑप्शन देखिए सिलिकॉन स्टील, मैंगनीज स्टील, वेनेडियम स्टील या कोबाल्ट स्टील। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा कि मिश्र धातु मतलब चुंबक बनाने के लिए आप कौन सा मिश्र धातु मिलेंगे, कोबाल्ट स्टील, कोबाल्ट स्टील। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, इनमें से किस कुचालक ओवरहेड किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड में किया जाता है। अब आपने ओवरहेड में आपने इंसुलेटर देखे होंगे, पिन इंसुलेटर, स्ट्रेन, शेकल, और वहां पे आपने देखा होगा भूरे रंग का कुछ होता है, तो वो क्या होता है, चिकनी मिट्टी होता है, और उसे क्या कहा जाता है, पोर्सिलिन। उसे क्या कहा जाता है गाइस, पोर्सिलिन कहा जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग स्विच बनाते हैं देखा होगा व्हाइट कलर के जो आपके स्विच है वहां पे जो धातु इस्तेमाल किया जाता है वो होता है बेकेलाइट, वहां पे जो इस्तेमाल किया जाता है बेकेलाइट। तो यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, रेजिस्टेंस का वह गुण क्या है जो हाई वोल्टेज के आने पर टूट जाता है या पंक्चर हो जाता है। एक चीज ध्यान देंगे किसी भी कंडक्टर के अंदर मान लेता हूं कोई वायर है तो उसके अंदर एक होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब अगर उस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है मान लेता हूं मैं एक तार उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 220 वोल्ट, और जैसे ही 220 वोल्ट के ऊपर जाएगा तो वो तार पंक्चर हो जाएगा या टूट जाएगा। मैं बताता हूं मेरी स्ट्रेंथ है भाई, मैं 100 किलो वजन उठा के चल सकता हूं आधा किलोमीटर तक, तो दैट इज माय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। लेकिन यही अगर आप 100 किलो का 150 किलो कर दोगे यार, एक किलोमीटर की आधे किलोमीटर की जगह मुझे एक किलोमीटर बोलोगे तो मैं गिर जाऊंगा या मेरे चोट आ जाएगी। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेंथ होती है जिससे कंडक्टर पंचर हो जाते हैं तो वो क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर हो गया ए, यानी कि हाई वोल्टेज आने पर वो टूट जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। अगला है किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने में किया जाता है, तो कीमती उपकरण बनाने में इनवार स्टील का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें इनवार स्टील का प्रयोग किया जाता है क्या, कीमती उपकरण बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो रेती बनानी है आपको या फिर आपको बनानी है छेनी, कोल्ड छेनी, तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करेंगे। इसका बनेंगे हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखें। तो रेती और छेनी बनाने के लिए आप लोग हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करेंगे। चलिए अब आ जाता है अगला मॉड्यूल नंबर 4 पे आ जाते हैं। चलिए जब तक इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा है, अब अगर कोई भी मापन बर्तन मान लेता है उसके अंदर कुछ वस्तु पड़ी हुई है तो उसकी मात्रा कैसे मापी जाएगी, द्रव्यमान के अंदर यानी कि मास। किसी भी वस्तु के अंदर उसकी मात्रा कैसे नापी जाती है, द्रव्यमान या फिर मास के रूप में नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। तो वो बल होता है भार, यानी हमारे स्वयं के भार के कारण सारी वस्तुएं पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, तो ये हो गया वेट, वेट यानी कि भार। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, यदि किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहेंगे। किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, इसे क्या कहा जाता है, घनत्व। तो यहां से आपको घनत्व का फॉर्मूला भी पता पड़ता है, क्या होता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बटे उसका आयतन, ठीक है। यानी कि आयतन क्या है कि एक मान लीजिए बर्तन है, अब उस बर्तन में जितना भी सामान आ सकता है वो उसका द्रव्यमान है, लेकिन हमने जितना डाला है उसके अंदर वो उसका मास हो गया। अब जितना बर्तन का साइज था उसमें अपने जितना डाला तो वो टोटल आ जाएगा आपका डेंसिटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पदार्थों के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व का अनुपात,
जो पदार्थों का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हम निकालते हैं, तो आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा तो आपको पता है इसे कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसे क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 68, एल्यूमिनियम का घनत्व कितना है? आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम का घनत्व, तो ये सीधा सीधा ध्यान रखना है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? देखिए, किसी पिंड का घनत्व है 7.6 ग्राम। चलिए अब यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और ये थोड़े से क्या है, क्वेश्चन हार्ड भी रहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए यहाँ आप थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा ध्यान देंगे तो आपको इजीली सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी और आपको घर जाके ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। चलिए सो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी पिंड का घनत्व, यानी कि आपको क्या दे रखा है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट होती है। और क्या दे रखा है आपको, इसका आयतन दे रखा है, आयतन दे रखा है वी दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर क्यूब, और आपसे पूछता है कि मास क्या होगा, आपसे पूछेगा मास। तो डेंसिटी का अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा, डी इक्वल टू होता है मास अपॉन आयतन वी। अब आपसे पूछा मास है तो क्या करो, इसको उधर भेज दो, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इंटू वी, और d का मान कितना दे रखा है आपको 7.6, और m v का मान कितना दे रखा है 2.5 या 25 ही दे रखा है। अच्छा ये तो 25 ही है, बस अब इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 190 ग्राम। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिए तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 190 ग्राम, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया तो बस आपका मास कितना आएगा, ग्राम में आएगा, क्योंकि ये ग्राम में दे रखा है, अगर ये किलोग्राम होता तो आपका आंसर किलोग्राम में आता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यदि किसी ठोस का आयतन 90.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट घनत्व कितना होगा। यहां बात कर रहे हैं ठोस की, कि ठोस का घनत्व कितना दे रखा है, 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है भाई सेंटीमीटर क्यूब में ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा, तो आपको अगर मैं बताऊं कि ठोस का विशिष्ट गुरुत्व होता है 1, ठोस के विशिष्ट गुरुत्व का मान रखा जाता है 1। अब 19.5 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, वही 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर आपका 70 का करेक्ट आंसर क्या है, 19.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, एक लोहे के घन का घनत्व, यानी कि लोहे का एक क्यूब है, आप लोगों ने क्यूब देखा होगा ना, ये क्यूब है, तो लोहे के क्यूब का घनत्व कितना दे रखा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। चलिए यानी कि घनत्व हमें निकालना है, साथ ही साथ यदि इसका भार 4.8 किलो है, यानी कि मास दे रखा है मुझे 4.8 किलो, और इसके साथ इसका आयतन दे रखा है वी दे रखा है 640 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे क्या पूछ लिया इसने, ये चीज देखिए, इसने हमसे पूछ ली डेंसिटी। ठीक है, क्या पूछा है, डेंसिटी। अभी आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद है, एम अपॉन बी, तो एम का मान कितना है 4.8 बटे 640 कर लो। अब आप चाहो तो इसका आंसर ग्राम में निकालोगे तो बेस्ट है, तो अपन क्या करेंगे, 4.8 को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4800, क्योंकि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आ गया 640। जीरो से जीरो गया, तो आपको अगर देखिए 16 का पारा याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग क्या करें, देखिए धीरे धीरे कट करें, लेकिन मैं देखिए 16 चौक 64 16 3 48, तो ये आ गया 30/4। अब अगर आप 30/4 करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 7.5, क्या जाएगा 7.5, क्योंकि देखिए 30 हो गया तो 4 7 28 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा फिर 7.5। डी का आंसर कितना हो गया, 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, क्या कहता है कि यदि पारे का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, पारे का मास दिया है, द्रव्यमान से क्या दिया इसने, मास कितना दिया 1 किलोग्राम दे दिया, और ये कहता है कि उसका घनत्व दे रखा है, यानी कि डी कितना दे रखा है 13.6, तो पारे का आयतन दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, इसने क्या पूछा है वी, यानी कि आयतन पूछा है। अब इसको कैसे निकालोगे, तो देखिए फॉर्मूला तो यही लगेगा, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी। अब हमारे को वी निकालना है तो बी इसके नीचे आ जाएगा, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन डी। अब एन का मान कितना दे रखा है 1, अब 1 किलो तो अपन निकालेंगे नहीं, अपन ग्राम में करते हैं, तो 1000 कर दो इसे, और 1000 बटे बी का मान कितना दे रखा है 13.6 दे रखा है। अब इसको आप लोग डिवाइड कीजिए और इसको डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा गाइस वो क्या जाएगा 73.53। अब वो तो आपको कैलकुलेटर में करना है, 1000 डिवाइड बाय 13.6
कैलकुलेटर में आप लोग कर सकते हो और आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे किस फॉर्मूले पर आएंगे, d = mv, d फॉर डेंसिटी, m फॉर मास, v फॉर वॉल्यूम। ध्यान देंगे मास की, देखिए अब यूनिट अगर आपको डेंसिटी क्या होती है, मास किस में होता है गाइस, ग्राम में होता है, डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में, इसीलिए तो डेंसिटी की यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन अगली चौक से करेंगे, नई चौक से। तो यहाँ आपके 72 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए गाइस, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 73 था, ठीक है, देख लिया था हमने, 73 का आंसर 6 आया था। अगला क्वेश्चन था 74, नहीं क्वेश्चन नंबर 73 हमारा रह गया था। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु पर 15 सेंटीमीटर का बल लगाने पर, यानी कि बल की बात करें तो फोर्स किसने लगा दिया है, 15 सेंटीमीटर का बल लगाने से वस्तु 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण करती है, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की इसने हमें वैल्यू दे दी 2.5। अब ये पूछता है आपसे क्या कि बताइए वस्तु का मास क्या होगा, यानी कि इसने पूछ लिया हमसे m क्या होगा। अब आपको एक फॉर्मूला याद हो फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू m into a होता है। अब हमें m पूछ रहा है, तो m यदि पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये a नीचे हो जाएगा, f/a। अब f की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 25, a की वैल्यू 2.5, सॉरी इसकी 15 है ना। अब अगर आप देखिए पॉइंट यहाँ से हटा तो ऊपर आ गया 0, 25 एकम 25, 25 छिक्के 100, तो मास कितना आ गया आपका 6 ग्राम। मास कितना आ गया हमारा 6 ग्राम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होता है। आपसे क्या पूछा था, फोर्स दे रखा था, एक्सीलरेशन दे रखा था, और अगर आपसे मास पूछे तो फॉर्मूला आपको सिर्फ ध्यान करना चाहिए। इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं कि आप लोग इजीली कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कहाँ कौन सा लगाना है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना था, फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सीलरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 74 कि धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा, ये पूछ रहे हमसे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी यदि धातु का टुकड़े का भार, धातु के टुकड़े का भार हवा में, तो मैं कहता हूँ W क्या है, हवा में, एयर में कितना है 150 ग्राम, और W पानी में यानी कि वाटर में कितना है आपका, देखिए कितना है 125 ग्राम। तो 150 ग्राम, हाँ अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था, इस तरह के क्वेश्चन के आंसर कैसे निकालते हैं, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको निकालनी है, ध्यान देंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी इन दोनों का तो आपको अंतर रखना है, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा 25, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 25, सबसे बड़ा वाला यानी कि धातु का एक्चुअल भार हवा में कितना होगा 150, तो 150 ग्राम अपॉन धातु का अंतर, अलग अलग माध्यम में अंतर कर दो, इसका अंतर करो तो कितना आ गया सीधे सीधे आंसर 6। तो यहाँ पे भी देखिए आपका आंसर क्या आएगा 6, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी आपसे तो सिर्फ 6 आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती। तो क्या करना है, देखिए जो सबसे बड़ा वाला भार दे रहा हो हवा में, ये याद रखिए किसी भी वस्तु का भार जब पानी में जाएगा तो घटेगा, तो देखिए पानी का भार कम है, हवा में उसका भार एक्चुअल होगा, तो एक्चुअल वेट अपॉन डिफरेंस बस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहते हैं कि 13 पॉइंट, यदि पारे का द्रव्यमान, पारे का मास कितना दे रहा है आपको 136 ग्राम, पारे का मास दे रहा है 136 ग्राम, और पारे का घनत्व, घनत्व क्या होता है डी दे रखा है आपको 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे पूछा क्या है बी, यानी कि आयतन का बताओ, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था, डी इज इक्वल टू एम अपॉन बी फॉर्मूला था, अब बी मुझसे पूछ ले तो बी ऊपर चला जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, बी इज इक्वल टू हो गया एम अपॉन डी। अब देखिए एम का मान कितना दे रखा है 136, डी का मान 13.6, तो पॉइंट आया तो ऊपर 0 आया, तो यहाँ देखिए पूरा पूरा एक बार गया और 0 का 0 हो गया, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन क्यूब में होता है, तो देखिए आंसर क्या दे रखा है, बिल्कुल 10 ही करेक्ट आंसर आपका, 10 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 74, 75। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा, भार पूछा है आपसे किलोग्राम में, लेकिन दे क्या रखा है आयतन और घनत्व, अगर हमें आयतन और घनत्व दे रखा है और आपसे मास पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा m into dv। देखिए फॉर्मूला आपसे क्या पूछ लिया, इसने मास पूछा है, घनत्व और ये दे रखा है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा, तो देखिए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 320, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी वॉल्यूम की दे रखी है 320, और डी का मान दे रखा है आपको 8.9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2.948। अब एक चीज ध्यान रखना, जो आपका आंसर आएगा ना वो ये नहीं आएगा, वो आपका आंसर आएगा ये 2948, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2948 आएगा, लेकिन ये आएगा आपका ग्राम के अंदर, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है आप देखें किलोग्राम में, तो सीधे सीधे क्या करो इसको एक हजार से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 2.948 किलोग्राम।
क्योंकि ये तो ग्राम में यूनिट होती है, अब किलोग्राम में पूछा है तो बस 1000 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 77, यदि किसी धातु का भार हवा में कितना देर का है 6.5 और पानी में देर का 3.5 और विशिष्ट ज्ञात पूछा है। भाई अभी अभी जो हमने करा था ये वाला क्वेश्चन देखिए, अभी अभी हमने करा था, तो सबसे मेन हवा में भार कितना है 6.5, हवा में ज्यादा होता है तो 6.5 और अंतर रखेगा नीचे अंतर होता है तो 6.5 माइनस पानी में कितना है 3.5, बस 6.5 तो आ गया एज इट इज, 6.5 माइनस 3.5 3 आया। अब 6.5 बटे 3 कर लो तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा 2.166 2.166 आ गया आपका। क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, ये एक यूनिट राशि है। चलिए सो आपका 77 को नंबर का क्वेश्चन मिल गया। अब देखते हैं 78 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक कार का भार दे रखा है, हमें कार का भार दे रखा है तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लो भार यानी कि मास। मास कितना दे रखा है आपको टोटल 800 ग्राम किलोग्राम, ध्यान रखें यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 800 किलोग्राम दे रखा है और यहाँ जी की वैल्यू दे रखी है आपको, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.81। ध्यान रखें जी होता है गुरुत्वीय त्वरण और यहाँ ये था ये एक्सीलरेशन था, तो जी और ए की वैल्यू लगभग समान ही रखी जाती है। अब ये पूछते हैं कि एक कार का भार 300 किलोग्राम है और उसका आपको कार का ये देखिए यही चीज होती है कि इंग्लिश और हिंदी में काफी ज्यादा डिफरेंस है। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं व्हाट इज द वेट फोर्स ऑफ अ कार, यानी कि हमें क्या निकालना है बल निकालना है उसका, जबकि उसका मास तो दे रहा है आपको एम 800 किलोग्राम और आपको एक्सीलरेशन दे रहा है 9.8। अब फोर्स पूछा है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा एम इंटू ए, एम की जगह रख दो 800, ए की जगह लिख दो 9.81। बस अब आपको अब इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो, तो 800 को 9.81 से निकालेंगे तो आपका देखिए आंसर क्या आएगा, अगर ये पूरा पूरा 10 हो जाता तो 8000 आता, लेकिन अभी क्या आएगा 8000 से कुछ कम आएगा ना, और कितना कम आएगा तो आप मल्टीप्लाई करके देखना 7848 आएगा। क्या आएगा 7848 आएगा, निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट करना आपका काम है, कैलकुलेशन इतनी तो हम लोग कर ही सकते हैं ठीक है। यहाँ अगर अपन करेंगे तो अपनी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उन थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है गति का सूत्र क्या होगा, हमें बताना है कि कोई भी किसी भी चीज़ की यदि हमें गति निकालनी है तो उसका सूत्र क्या होगा, और ये गति का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो जितने भी ये गति और स्पीड और डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मूला होते हैं ना सारे क्वेश्चन हमें ध्यान रखने हैं। तो देखिए गति क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर समय में तय की गई दूरी, यानी कि अगर मैं 1 घंटा चला और कितनी दूरी तय करी 100 किलोमीटर चला 60 मिनट के अंदर, तो मेरी स्पीड क्या हो गई 100 किलोमीटर पर आवर ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपकी होती है स्पीड। चलिए तो देखिए मैं स्पीड देखू एस इज इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम डी बाय टी। अगला क्वेश्चन है गति की इकाई क्या है, हम जो स्पीड ट्रेवल करते तो वो क्या होता है किलोमीटर पर आवर में आता है ठीक है, लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर की जगह एक और यूनिट क्या हो सकती है मीटर पर सेकंड, या तो किलोमीटर प्रति आवर, लेकिन अगर छोटी यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड, और यहाँ आपको ऑप्शन में दे रखा है मीटर पर सेकंड, तो करेक्ट आंसर हो गया 80 का ए। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी क्या होता है गाइस स्पीड का अंतर, कि किसी पर्टिकुलर स्पीड का अंतर कितने टाइम में। अब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अभी मेरी वेलोसिटी क्या है 0, अब मैं यहाँ से अगर कुछ मूवमेंट करा और किसी दूरी पे गया ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ मेरी स्पीड 0 है और मैं यहाँ से कहीं गया तो वो मेरी वेलोसिटी में चेंज आ गया, तो 0 से लेके जो मेरी वेलोसिटी में चेंज आया यानी कि कितने किलोमीटर की स्पीड से मैं गया और कितने समय में गया, तो ये होता है आपका वेलोसिटी। तो इसीलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है स्पीड में अंतर, ध्यान देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए क्या दे रखा है निश्चित समय में दूरी अपॉन समय, तो एक पर्टिकुलर टाइम में मैंने कितनी दूरी तय करी और उसका समय, तो यहाँ देखिए अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ मेरी स्पीड कितनी है 0, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आता है यू माइनस वी अपॉन टी, यू होता है प्रारंभिक स्पीड, वी होता है अंतिम स्पीड और 0 यानी कि प्रारंभिक स्पीड 0, अंतिम स्पीड क्या जिस स्पीड में चल रहा था और एकदम से ब्रेक लगा के मैं रुक गया तो वो अंतिम स्पीड हो गई बटे समय, तो इसीलिए इसे कहा जाता है निश्चित समय में तय की गई दूरी, निश्चित समय में तय की गई दूरी। अगला है वेग की इकाई, अब देखिए वेग की इकाई ये जो स्पीड है मेरी ये किसके अंदर होगी मीटर के अंदर होगी, स्पीड का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था स्पीड क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि मीटर बटे सेकंड, तो एक तो आ गई मीटर बटे सेकंड और टाइम किसमें होगा सेकंड में होगा, अभी एस नीचे आएगा कि नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी की स्पीड की होगी मीटर अपॉन सेकंड लेकिन वेलोसिटी की क्या हो जाएगी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो क्वेश्चन नंबर 82 में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहेंगे, तो ध्यान देखेंगे दो तरह की क्वांटिटी होती है एक तो स्केलर और एक वेक्टर,
तो जिसमें परिमाण होता है और उसका पर्टिकुलर एक साइज होता है उसे कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, और बाकी की सारी राशियां सदिश राशि कहलाती है। यानी कि बात करें, देखिए मैं कहता हूं कि मैं 5 किलोमीटर गया, ठीक है, मैं 5 किलोमीटर की स्पीड से गया तो ये स्केलर है, लेकिन मैं कहां गया भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया या रिवर्स डायरेक्शन में गया, डायरेक्शन पता होना आवश्यक है। लेकिन अब अगर इसी स्पीड में मैंने डायरेक्शन लगा दी कि मैं इस तरफ गया तो ये अब कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी, और अगर बिना डायरेक्शन के देंगे तो क्या कहलाएगी, स्केलर। तो स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क आता है, डायरेक्शन का, जो क्वांटिटी डायरेक्शन के साथ होती है वो वेक्टर और जो डायरेक्शन के बिना हो वो स्केलर। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए परिमाण और वेग दोनों दे रखे हो तो उसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, किसी वस्तु में विस्थापन में परिवर्तन की दर, ये बोला है विस्थापन, यानी कि मैं एक जगह पे खड़ा था और मैं दूसरी जगह पे पहुंचा तो मेरा प्लेस बदल गया, विस्थापन में परिवर्तन की दर, और वो दर क्या होगी, समय के अकॉर्डिंग होगी। यानी कि मैं यहाँ से यहाँ गया, मेरी जीरो से कुछ स्पीड बनी, कितने समय में बनी, तो वो क्या होता है, वेलोसिटी। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 83 84 हो गया, 85 का भी डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 86, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तो उसे क्या कहा जाता है, मींस यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में है और वो अपनी स्थिति को बदले ही नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैं यहाँ से कहीं हिलूंगा ही नहीं, तो वो क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं अभी विश्राम अवस्था में हूँ, मैं क्या हूँ, विश्राम अवस्था में हूँ। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी अभी विश्राम अवस्था है, क्योंकि मैंने जो मेरा एरिया है, मैं अभी यहाँ क्लासरूम में खड़ा हूँ तो मैं क्लासरूम से कहीं जा नहीं रहा तो मैं अभी रेस्ट में हूँ, ठीक है, यानी कि आराम है, हालांकि आराम कर नहीं रहे बट मेरी बॉडी को भी क्या कहा जाएगा, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, कि अभी रेस्ट कर रही है, अभी कहीं नहीं लुढ़ रही। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने अगर यहाँ से स्पीड चेंज कर ली तो मैं क्या हो जाएगा, विराम अवस्था से मैं किस में आ गया, गति की अवस्था में आ गया। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या है, बॉडी एट मोशन, यानी कि वस्तु का गति में परिवर्तन हो रहा है, मैं जीरो से कुछ गति में परिवर्तन मैंने कर लिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, अब चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं कि यदि, चलिए पहले इसको रफ कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए जो h इक्वल टू d / t है ना, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन समय, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि उस वस्तु का वेग क्या होगा जो 21 सेकंड में एक रेखा में 100, यानी कि 21 सेकंड यानी कि समय कितना दे दिया 21, दूरी देखिए एक रेखा में 168 मीटर की दूरी पर, यानी कि डिस्टेंस दे दी 168 मीटर, और आपसे वेग, वेग माने स्पीड, स्पीड पूछ रही है। तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डी बाय टी, तो डी की वैल्यू कितनी दे रही है 168 बटे 21। एक चीज और ध्यान देंगे, आप लोगों को कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, इसलिए जो भी क्वांटिटी दी जाती है वो ऐसी दी जाती है जिसमें पूरा पूरा पहाड़े का भाग जाता हो। तो अब ये जो 168 है ना, डेफिनेटली 168 में किसका भाग जाता है, अगर आप लोग करना आता हो तब बात है, वरना अपन क्या कर सकते हैं, इसमें सातवा भाग भी दे सकते हैं, 7 * 21, 7 * 2 = 14, बचा 2 * 7 = 28, ठीक है, 3 से करेंगे तो 8 बार। और यदि आप अगर 21 को सीधे 168 से करते, अगर आप 21 में 168 का भाग देते तो सीधे सीधे 8 आ सकता था, लेकिन वो हमें पहाड़े याद होने चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यानी कि स्पीड मेरी क्या गई 8, लेकिन अब ऐसे ही 8 नहीं लिखना, अब देखिए यहाँ कहता है डिस्टेंस मीटर में तो 8 मीटर, समय क्या है सेकंड में, तो 8 मीटर पर सेकंड, यूनिट बताई थी ना स्पीड की, यूनिट क्या होगी मीटर प्रति सेकंड, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या, 8 मीटर पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि एक 80 मीटर की लंबी ट्रेन है, तो ये मेरी ट्रेन है, इसकी गति कितनी है और इसकी डिस्टेंस यानी कि कितनी लंबी है 80 मीटर, तो ये इसकी डिस्टेंस हो गई ना भाई, एक छोर से इंजन से लेके पीछे वाले डब्बे तक 80 मीटर लंबी है, जो कि 20 सेकंड में यानी कि समय दे दिया है मुझे 20 सेकंड, 180 मीटर 120 मीटर, अभी मेरा प्लेटफार्म है इसकी लंबाई कितनी 120 मीटर। तो देखो ये अपनी यहाँ से लेके आता 80 मीटर की लेंथ को यहाँ से स्टार्ट करेगी, मैं मान लेता हूँ इसमें स्टार्ट करा यहाँ से, जो मेरी 120 मीटर का प्लेटफार्म है ना वो यहाँ से है, अब ये यहाँ से स्टार्ट करेगी, ठीक है, पूरा और यहाँ तक कवर करेगी, यानी कि इसने अपनी दूरी को भी तो तय करा, इसने अपने टोटल रेल के डिब्बे की दूरी भी तय करी, तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई 120 + 80 = 200। अभी पूछता है कि किस स्पीड से करी, वेग से करी, तो क्या हो जाएगा डी बाई टी, डी है 200, टी है आपका 20, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से देखें आप, अगर रेल के डिब्बे वाला आता है, क्योंकि अगर प्लेटफार्म मेरा यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक खत्म है, तो मैं मान लेता हूँ ये यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ चली यहाँ चली, फिर देखिए ये जैसे डिब्बा यहाँ पे पहुँचा 120 वाला, फिर ये इसको क्रॉस करेगा पूरे,
क्रॉस करेगा ना, जब से मैं कदम मानूंगा तो ये 120 80 मीटर की डिस्टेंस भी इसमें ऐड हो जाएगी टोटल में, और फिर इसने टोटल डिस्टेंस कवर करी 200 मीटर बटे समय, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा, 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका था 88 और करेक्ट आंसर वही है हमारा 10 मीटर पर सेकंड। चलिए हाँ, अब देखिए यहाँ पे आंसर तो हमारा आ चुका है 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन देखिए यहाँ पे इसने पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटे में, थोड़ा सा ट्विस्ट आ चुका है पिक्चर में। अभी हमारे 10 मीटर प्रति सेकंड तो है, लेकिन पूछा क्या है इसने कि आपको आंसर निकालना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको आना चाहिए। देखिए ये मीटर है 10, अब इसको किलोमीटर में, 10 मीटर को किलोमीटर में करना है तो किससे डिवाइड कर दूंगा मैं, 1000 से, 1000 से डिवाइड कर देंगे। थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए 10 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, और सेकंड है अगर मान लेता हूँ कि मैं कह दूंगा मेरे पास 60 सेकंड है, अब 60 सेकंड को आपको अगेन चेंज करना है किसमें, घंटे में, तो उसको भी डिवाइड किससे करोगे, मिनट में चेंज करना है तो 60 से फिर मिनट को सेकंड, घंटे में करना है तो अगेन 60 से, यानी कि 3600 से डिवाइड करेंगे, लेकिन नीचे तो जाएगा, नीचे क्वांटिटी डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3600 यहाँ आएगा। अब काटो दो जीरो से, दो जीरो का एक जीरो से एक जीरो गया, यानी कि कितना बचा 36, आपका आंसर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखिए मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस ये भी मेरी ये मीटर में थी ना, और ये सेकंड में दे रखा था, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में किलोमीटर आवर देना तो घबराना नहीं है कि यार आंसर तो 10 आ रहा था, यहाँ 36, 46, 56 कैसे आ रहा है, तो घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ मीटर सेकंड में तो आया, लेकिन आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना आना चाहिए। यही मैं मान लेता हूँ यहाँ 36 किलोमीटर पर आवर आ गया था, ठीक है, अब 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में निकालें तो क्या करें, ये किलोमीटर में, अब इसको मुझे क्या करना है मीटर में निकालना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 1000 है मान लो एक घंटा है, उसको सेकंड में निकालना है तो 3600 से डिवाइड करो, दो जीरो से दो जीरो 3600 10 आपका आंसर अगेन आ गया। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप लोग सोल्व कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो घुमा फिरा के देगा क्वेश्चन, आपको एकदम खाली में परोस के तो दिए नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 की त्वरण के लिए सूत्र क्या है। अब अगर आपने पीडीएफ ढंग से देखी हो तो वहां कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा, लेकिन आपको पता है कि वेग में परिवर्तन की दर अपॉन समय, वेग में परिवर्तन बटे समय एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 91 किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या होगी। मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु है उसके अंदर कोई त्वरण हो रहा है तो उसकी इकाई क्या कहलाएगी, यानी कि वेग मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी अभी मैंने बताया था कि मीटर की वेग की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, एक कार का त्वरण क्या होगा। तो इसने क्या पूछ लिया, एक्सीलरेशन पूछ लिया। अब देखो एक्सीलरेशन का क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि कार की गति एक मिनट में 25 किलोमीटर घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, एक मिनट में कितनी हुई 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी कि मैं मानता हूं प्रारंभिक गति कितनी थी गाइस, देखिए 25 किलोमीटर पर आवर एक मिनट में बढ़कर कितनी हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर, एक मिनट में बढ़कर हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर, तो एक घंटे में स्पीड कितनी होगी। अब हमें घंटे की स्पीड निकालनी है, ठीक है कोई बात नहीं कर लेंगे, लेकिन यहाँ देखिए आपको जो ऑप्शन दे रखे वो मीटर पर सेकंड में दे रखे। सबसे पहली चीज, आपको जितने भी ऑप्शन है वो मीटर प्रति सेकंड में दे रखे, तो हम लोग भी मीटर पर सेकंड में ही निकालेंगे। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए क्या था, प्रारंभिक गति माइनस अंतिम गति बटे समय। तो प्रारंभिक गति माइनस अंतिम, यानी कि 40 माइनस 25 कितना आया 15, लेकिन ये 15 क्या है किलोमीटर पर आवर, और मुझे किसमें चेंज करना है इसको, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, ये देखिए किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 1000 बटे 3600, तो दो जीरो से दो जीरो तो पहले ही कट गए, ठीक है दो जीरो से दो जीरो कट, 5, 3 5 15 और 3 से कितनी बार गया ये 12 बार गया, अगेन इसको कट करेंगे तो 2 5 10, 2 6 12, अब 25 बटे 6 आ गया आंसर, आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे 25 बटे 6। ये क्या आई आपकी स्पीड आई है, अभी तक स्पीड आई है, लेकिन मुझे आंसर में क्या चाहिए, ये तो आ गया। अब नीचे समय कितना दे रखा है एक मिनट, लेकिन क्या हम एक मिनट करेंगे, नहीं हमें दे रखा है 60, कितना 60, चलिए तो 60 से निकालते हैं, तो ये कितना आया था 25 बटे 6 अपॉन टाइम कितना है एक मिनट, नहीं अब हमारे पास एक घंटा बोला है तो 60 से डिवाइड कर दो तो ये 6 के नीचे वैसे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 बटे 6 × 60। अब बस आप इसको सॉल्व कर लेना आप लोग 25 बटे 360 को, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.069। ये किसमें आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये किसमें आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में,
तो ये इतना टिपिकल नहीं है, आपको बस देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन चाहिए, स्पीड चाहिए थी, तो जो स्पीड में परिवर्तन हुआ उतना, लेकिन ऑप्शन में हमें क्या दे रखा था मीटर पर सेकंड में, तो अगर मीटर पर सेकंड में तो अगर आपने यही चेंज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपन यहाँ चेंज करते तो बहुत डिफिकल्टी आती। तो मैंने 15 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1000/36 कर दिया, तो 25/6 बस 25/6 यहाँ रखो, एक घंटे की बोला तो 60 से डिवाइड करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 45 सेकंड, यानी कि 45 सेकंड के अंदर अंदर उसे रेस्ट में लाया जाता है, तो अपन ने जो निकाला था वो सही है। यहाँ क्या है गलत क्या है, ऑप्शन नहीं गलत दे रखे, दोबारा से बता देते हैं, सही है, कोई गलती नहीं अपनी, अपन ने करी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, रेस्ट में लाया गया यानी कि पूरी स्पीड जीरो कर दी, तो वही 50 × 1000/36, 2 0 से 2 0 कट हो गया, यहाँ पे क्या आया था अपना 500/36 और उसको डिवाइड कर दो 45 से, जो भी आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखें घबराने की आवश्यकता नहीं, अपन जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सीधे सीधे डिवाइड करना 500/36 × 45, आपका आंसर एग्जैक्ट सही आएगा, कैलकुलेटर से करके देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या हुआ, यानी कि जो हवाई पट्टी होती है ना जिसपे अपन हवाई जहाज पहले करीबन 1 या 2 किलोमीटर उसको रनवे कहा जाता है, रनवे पर चलेगा उसके बाद वो उड़ेगा, यदि वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी तय करता है, देखिए टेक ऑफ क्या करेगा पहले 0 से स्टार्ट करेगा, 700 मीटर के बाद वो उड़ेगा और उसके बाद उड़ा 700 मीटर, तो 700 मीटर की दूरी कितने समय में तय करी उसने 10 सेकंड में। अब देखो कि 700 मीटर की दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, लेकिन कोई भी इसका फॉर्मूला नहीं है और आपको ज्ञात क्या करना है त्वरण, आपको ज्ञात क्या करना है त्वरण, और ये तो कोई ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे सामने जो हमने आज तक ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा हो। अब यहाँ पे पिक्चर में क्या आ जाता है, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा S = UT + ½AT². ये आपने गति के तीन नियम पढ़े होंगे, उसमें ये नियम आता है। अब देखिए हमें प्रारंभिक गति इसने दे रखी है, कुछ भी नहीं दे रखी, प्रारंभिक गति तो जीरो होती है, तो 0 × 2 वैसे ही 0 हो गया, 1/2। अब एक्सेलरेशन तो इसने आपसे क्या है पूछ लिया, एक्सेलरेशन तो हमें बताना है, तो एक ए लिख दो, टी कितना है 10 सेकंड में, यानी कि 10² हो गया, और यहाँ डिस्टेंस दे रखी है 700 मीटर, एस होता है आपका डिस्टेंस दे रखी है 700 मीटर, तो क्या करें देखें ये तो क्या 0, ये कितना हो गया 100² / 2 यानी कि 50 × a, तो 700 में 50 का भाग आ जाएगा, अब 700/50 आ गया, इसको कट कर लो, कट करेंगे अब 70 में 50 का भाग देके देख लो कितना आएगा 14, तो यानी कि आपका जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई एक अमन कितना आ गया 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको प्रारंभिक गति दे नहीं रखी, आप लोग एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, प्रारंभिक गति होता तो यू माइनस वी करते, लेकिन यहाँ पे हम लोग यू माइनस वी नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर पर सेकंड की गति से उछाला जाए। अब मैंने क्या करा, पहले तो वो विराम अवस्था में था, मैंने उसे 20 किलोमीटर पर सेकंड की गति से उछाला ऊपर, उछालने के बाद वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये अपने को निकालना है। तो देखिए मैक्सिमम हाइट क्या दे रखी है, स्पीड हमने देखिए 20 मीटर पर सेकंड की गति से उसे फेंका है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से हमने ऊपर फेंका, और जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी क्या है यानी कि एक्सेलरेशन हमारा। अब पूछता है कि आपसे बताइए ये कितनी हाइट तक जाएगा, कितनी हाइट तक जाएगा यानी कि हमसे इसने सीधे सीधे डिस्टेंस पूछ लिए, तो इसका फॉर्मूला सीधे क्या हो जाएगा 20/2×10, 20/2×10 कर लेंगे इसे, नहीं ये होता है जो स्पीड है स्पीड का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन। तो देखिए स्पीड कितनी दे रखी है आपको, ये अपन यहां लिख लेते हैं इसको, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपने को हाइट निकालनी है, तो हाइट का फॉर्मूला होता है स्पीड का स्क्वायर अपॉन 2×एक्सेलरेशन। तो स्पीड कितनी आपकी 20 × 20 2 की जगह 2 और 1 की जगह आ गया आपका 10, अब सॉल्व करो तो ये हो गया 2 × 10 = 20, तो ये कट हो गया और आपका सीधा सीधा आंसर आ गया 20 मीटर, ये 20 मीटर क्या है इसकी हाइट है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 95, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 95 का 20 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक इकाई समय में किया गया कार्य, थोड़े से क्वेश्चन है हमारे रीडिंग वाले देख लेते हैं रीडिंग वाले, कि किसी इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, पावर,
यानी कि देखिए आपने किसी समय में कोई कार्य कर दिया तो उसे हम लोग पावर कहते हैं। इकाई समय में किया गया कोई कार्य पावर कहलाता है। अगला है किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को, मैं कोई कार्य कर रहा हूँ उसे कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता एनर्जी। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, ये शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का, आपको ये तो सबसे ईजी है, आउटपुट अपन इनपुट क्या होता है, एफिशिएंसी, आउटपुट अपन इनपुट एफिशिएंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, यदि एक न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है और एक मीटर की दूरी तक चलाते हैं तो ये कहलाता है एक जूल, ठीक है, एक जूल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी अर्थ फॉर वन जूल, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और कई बार आया हुआ है अर्घ, ये क्या पूछ रहा है कि एक अर्घ में कितने, यानी कि एक जूल में, ये कह रहा है कि एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, एक जूल में गाइस अर्घ होते हैं 107, ध्यान रखेंगे एक जूल में 107 अर्घ होते हैं, या फिर अगर पूछ ले कि एक अर्घ में कितने जूल होते हैं तो 1/107। एक किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं, एक किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है, 9.81 न्यूटन के, 9.81 न्यूटन के बराबर होता है एक किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है मैट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर में कितने वर्ड होते हैं, हम बात करें मैट्रिक यानी कि हमारे इंडियन, तो इंडियन सिस्टम में एक एचपी बराबर होता है 735.5 वाट। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 कि ब्रिटिश सिस्टम में एक एचपी बराबर कितना होता है, तो ब्रिटिश सिस्टम में एक एचपी ध्यान रखें 740 वाट। तो ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक में 735.5 और इलेक्ट्रिक ब्रिटिश में 740 वाट होता है। अगला देखिए कि मैट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई, बात करें मैट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई एक और होती है, वो क्या है, 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, यानी कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है MGH, ठीक है, जो MGH वाले अंकल थे उसी की तरह फॉर्मूला होता है MGH पोटेंशियल एनर्जी का। अगला क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का भी इजी है, काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एमवी स्क्वायर, या एम होता है मास, मास यानी कि वजन द्रव्यमान, और वी होता है एक्सेल स्पीड, ठीक है, वी होता है हमारा स्पीड, और सेम चीज है पोटेंशियल एनर्जी में मास ग्रेविटी और हाइट। कितना कार्य होता है एक घंटे में, कितना कार्य होगा यदि एक पंप एक मिनट में 200 मीटर की ऊंचाई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 107 कि एक पंप एक मिनट में 200 मीटर की ऊंचाई यानी कि विस्थापन कहां से कहां तक आ रहा है 200 मीटर का, हम बात करें विस्थापन मुझे मिल गया 200 मीटर का, और कह रहा है कि 100 लीटर पानी उठा रहा है, यानी कि कितना बल लग रहा है 100 मीटर का पानी उठा रहा है ना, तो ये पूछता है कि कार्य कितना हुआ, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो मैंने कितना बल लगाया 100 लीटर के पानी को उठाने में, ये लीटर है 100 लीटर के पानी को तो उठाने के लिए बल लगाया, विस्थापन कितना कर दिया नीचे से 0 से 200 मीटर पे, तो बस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा ये 20,000। लेकिन अब आपसे पूछा क्या गया है, ऑप्शन देखो क्या लेंगे, ऑप्शन में 20,000 नहीं दे रहेगा, और एक और चीज क्या है, ये बोला कि एक मिनट में 200 मीटर कितने मिनट में, एक मिनट में, और पूछा क्या है कि एक घंटे में कितना कार्य करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक घंटे का कार्य कितना होगा, देखें एक घंटे में कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 60 के साथ में, ठीक है, अब 60 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 × 12 और ये 5 0 और आ गए, लेकिन ऑप्शन में आपको लिखा रखा है 12 × 10^5, यानी कि जो 5 0 उसको किस तरह से लिख दिया 10^5 और 12 एजेंट आ गया, तो ये हो गया आपका 12 × 10^5 किलोग्राम पर मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखें, यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है, यानी कि 250 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, यानी कि मुझे बल यानी कि फोर्स कितना दे दिया 250 न्यूटन, इसके बाद ये कहता है वस्तु 15 मीटर दूरी तक, विस्थापन भी दे दिया इसने, विस्थापन कितना दे दिया 15 मीटर, अब ये पूछता है कि बताइए कितना कार्य हुआ, तो अगेन फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा, बल इंटू विस्थापन, तो बल दे रखा है 250, विस्थापन दे रखा है 15, तो 250 को जब 15 से करोगे तो आपका आ जाएगा 375 और ये 0 का 0 आ गया, ठीक है, तो 3750 न्यूटन का बल लगाया जाएगा, जूल, ये ऑप्शन में जूल दे रखा है, जूल कर लीजिए इसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि
यदि 250 किलोग्राम, अच्छा अगला क्वेश्चन ये 109 कि यदि 250 किलोग्राम की एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो स्थितिक ऊर्जा, सबसे पहले देखिए स्थितिक ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पीई बराबर होता है एमजीएच, पीई बराबर होता है एमजीएच, तो यहां दे रखा है 250 किलोग्राम, तो 250 किलोग्राम दे रखा है, तो 250 लिख दीजिए यहां पे, और जी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, जी की वैल्यू अगर कुछ नहीं दे रखी तो आप 9.81 मानोगे, ठीक है ये स्पेसिफाई है, और हाइट दे रखा है कि 30 मीटर की ऊंचाई तक, तो 30 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जब आप इस पूरे आइटम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 73570 समथिंग आएगा, लेकिन ये आया जूल में, और आपको ऑप्शन में दे रखा है किलो जूल, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है इसको 1000 से कर लो समथिंग, सॉरी ऑप्शन में आएगा ये आपका आएगा, तो 100 से वो कर दो आप लोग, ठीक है तो आपका आ गया 73.57 किलो जूल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, अगर बॉडी का आपको क्या दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी, अगेन पूछ रहा है, तो मास की बात करें तो मास दे रखा है आपको 250 किलोग्राम दोबारा से, ठीक है, फिर हाइट दोबारा से आपको क्या दे रखी है 20 दे रखी है, और जी का मान अगर आपको नहीं दे रखा तो जी का मान आप कितना मान लीजिए 9.81, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 962 जूल, और अगर किलो जूल में कितना ज्यादा 19.62 किलो जूल, लेकिन ऑप्शन में आपको ये दे रखा है तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1010 का आंसर हो गया सी, क्वेश्चन नंबर 1011 करेंगे हम लोग, देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी 15.5 किलोग्राम के वजन को 4.5 मीटर तक उठाया गया तो उसमें कितना जूल कार्य किया गया, अब कितना जूल कार्य किया गया यानी कि भाई आपसे क्या पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एमजीएच, एम का मान कितना दे रखा है आपको 15.5 किलोग्राम का, जी का मान 9.81 दे रखा है, और हाइट कितनी पूछी है आपसे कि 4.4 मीटर तक उठाया जाए, तो 4.4 से मल्टीप्लाई कर दो, जब आप इस पूरा आइटम को मल्टीप्लाई करोगे तो 6.69 जूल आपका आंसर आएगा, और ये करेक्ट है, तो मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को आना चाहिए, कैलकुलेटर का प्रयोग करना आपको वहां पे अलाउ है तो आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आंसर निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1011 का आंसर हो गया 669, क्वेश्चन नंबर 102 काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है 1/2 half mv2, 1/2 half mv2 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो देखिए क्या कहता है कि एक 5 द्रव्यमान की बुलेट, तो 5 द्रव्यमान आपको वजन दे दिया, तो 5 दिया है तो 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है मल्टीप्लाई 5 द्रव्यमान की बुलेट यानी कि बुलेट का बंदूक का गोली का वजन है 5 द्रव्यमान, और 500 मीटर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो 500 मीटर प्रति सेकंड से स्क्वायर कर दो। अब यहाँ देखो ऑप्शन में आपको जूल में दे रखे और ये ग्राम में दे रखे, तो पहले तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए क्या आएगा 1/2, अभी 5 ग्राम था ना तो ये हो जाएगा 0.005, क्योंकि 5 को आप जब 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.005 आएगा, इंटू कर लो 500, अब हाफ एम वी स्क्वायर है तो 500 × 500 करा जाएगा, 500 × 500 करा जाएगा, तो आपका टोटल आंसर क्या जाएगा 6.25, आपका आंसर क्या जाएगा 625 जूल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो ये हो गए आपके 112 तक क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 113, तो क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है कि तापमान को क्या संदर्भित करता है, तापमान क्या बताता है, तो तापमान किसी भी चीज की अवस्था बताता है, ठीक है तापमान किसी भी चीज की अवस्था बताता है कि उसमें कितनी ऊष्मा है, ऊष्मा ज्यादा हुई तो तापमान ज्यादा, ऊष्मा कम हुई तो तापमान कम, ज्यादा हुई तो गर्म है कम हुई तो ठंडा है, तो तापमान क्या संदर्भित करता है यह ऊष्मा की अवस्था बताता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है, कैलोरी जूल, ऊष्मा की एसआई क्या है जूल, और बाकी एमकेएस पद्धति की बात करें तो कैलोरी होता है, यहाँ पूछा है एसआई तो एसआई का आप आंसर क्या देंगे जूल, ऊष्मा की इकाई क्या हो गई जूल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ऊष्मा को मापने के लिए हम लोग कैलोरी मीटर का प्रयोग करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 116 देखें, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, यानी कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा चाहिए उसे कहते हैं हम लोग कैलोरी, उसे क्या कहेंगे कैलोरी, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं, पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है, यानी कि वॉटर का स्पेसिफिक हीट, पानी की स्पेसिफिक हीट का मान कितना है 1, ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट है पानी की स्पेसिफिक हीट होती है 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदलने बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है छोड़ा जाता है,
तो वो कौन सी इकाई है कि ना तो किसी पदार्थ द्वारा उसे अवशोषित किया जाएगा ना ही उत्सर्जित किया जाएगा, तो वो होता है आपका सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट। तो क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर होगा सेंसिबल हीट, यानी कि किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था, उसकी भौतिक अवस्था बदलेगी नहीं और उसे अवशोषित किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, तो दैट इज सेंसिबल हीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, फॉरेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक आपसे पूछा गया है। फॉरेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक तो ये होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, तो केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन आपको ध्यान होगा। अब इसी तापमान के बेस, तापमान पर बेस, टेम्परेचर पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं, लेकिन उन क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो वो फॉर्मूला क्या है देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इजिकल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9 इजिकल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 5 इजिकल टू आर अपॉन 4। चलिए तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें। तो ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड में देखा है फ़ारेनहाइट में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना था 45 अपॉन 5 दे रखा था मैं, यानी कि 45 तो सेल्सियस में दे रखा था, अब फ़ारेनहाइट में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को अगर इससे कट करेंगे तो 5 9 45 हो गया। अब ये 9 तो ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कितना हो गया 9 9 81, तो 81 इज इक्वल टू एफ माइनस 32। अब ये एफ अपन को निकालना है तो माइनस 32 तो आगे प्लस का हो जाएगा, तो 81 प्लस 32 इज इक्वल टू एफ, तो यानी कि 81 और 32 को प्लस करो, 2 और 1 3 8 और 3 11, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 113 फ़ारेनहाइट। तो अपना आंसर क्या आया फ़ारेनहाइट में, 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 113। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान, यानी कि हम बात कर रहे हैं किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा फ़ारेनहाइट के, तो वो है आपका 40 डिग्री। ठीक है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देंगे, तो इसका आंसर आएगा -40 डिग्री। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि -273 डिग्री को कन्वर्ट करना है आपको, ये सेंटीग्रेड में है, इसे आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ध्यान देखें। तो केल्विन वाला कहाँ है, ये रहा केल्विन और ये रहा डिग्री सेंटीग्रेड, तो लिख दीजिए सी अपॉन 5 इजिकल टू, अब डिग्री सेंटीग्रेड क्या दे रखा है 273 माइनस का के की जगह किया जाएगा -273/5, तो ये 5 से 5 कट गया। अब देखिए के की वैल्यू निकालनी है तो इस माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो के इज इक्वल टू ये माइनस का 273, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का 273, तो प्लस का 273 माइनस का 273 कट गया, यानी कि केल्विन में कितना आ गया 0 डिग्री, यानी कि अगर -273 डिग्री सेल्सियस में तो वही केल्विन में क्या हो जाएगा 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन। अगला है क्वेश्चन नंबर 124 कि 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आप इन दोनों की बात करनी है तो लिख लें सी अपॉन 5 एफ माइनस 32/9। ठीक है, अब क्या बोला इसने कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि एफ का मान दे रखा है, सी का मान निकालना है, तो देखिए सी अपॉन 5 एफ का मान कितना हो गया 20, 20 माइनस 32/9, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं 20 माइनस 32 कर रहे हैं तो माइनस में आएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा ये 12, माइनस का 12/9 सी बटे 5, तो देखिए 3 3 9 3 4 12 यानी कि 4/3, अभी 5 को भी बार भेज दो तो 5 4 20/3, तो ये क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू माइनस का 20/3, लेकिन आपको वैल्यू तो पूरा कट करना है इसको, तो क्या आ जाएगा 6.67 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन माइनस में, ठीक है माइनस में आएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तभी आप डिग्री केल्विन के, सेल्सियस के, फ़ारेनहाइट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 हो गया 125, चलिए 125 थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो अधिकतम तापमान जो मरकरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू पूछ रहा है जो हम लोग मरकरी थर्मामीटर से नाप सकते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर क्या हो जाएगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है तापमान मापने के लिए हम लोग किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, तो आपको एक पिक्चर दिखा रखी है, उस पिक्चर का आंसर देना है, तो वो होगा बाई मेटलिक थर्मामीटर। ठीक है, बाई मेटलिक थर्मामीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाल गर्म धातु, अब अगर कोई चीज 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म है यानी कि वो एकदम लाल हो चुकी है,
तो उस लाल गर्म धातु को तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? रेडिएशन पाइरोमीटर। ध्यान रखें इसका करेक्ट आंसर होगा रेडिएशन पाइरोमीटर। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 127 रेडिएशन पाइरोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, किस प्रकार का ऊष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है, यानी कि वो कौन सा हीट ट्रांसफर आपको पता है तीन माध्यम से होता है, एक तो है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन और एक है रेडिएशन। तो भौतिक यानी कि जब तक आप उसे टच नहीं करोगे आपके अंदर हीट नहीं आएगी, तो वो है कंडक्शन। तो इसलिए भौतिक संपर्क के माध्यम से जो हीट का ट्रांसफर होता है उसे हम लोग कहते हैं कंडक्शन। सो अगला क्वेश्चन हमारा कि किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है, यानी कि ऊपर ही ऊपर चलता जाता है, तो वो है कन्वेक्शन। क्या नाम है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन का नाम दिखाई नहीं दे रहा, संवहन। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, ऊष्मा संचरण की रेडिएशन विधि कौन सी है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, रेडिएशन क्या है? जो सूर्य की किरण आती है ना, सूर्य से जो किरण आती है वो रेडिएशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सूर्य से ऊष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है, इसे ही रेडिएशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो इसे क्या कहा जाता है? रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार। आपने देखा होगा लोहे को आप गर्म करके किसी भी आकार में ढाल सकते हो, लंबा छोटा कैसा भी कर सकते हो, तो इसे कहा जाता है रेखीय प्रसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक। तो तापमान में क्या गया? हाँ, यदि गर्म क्वेश्चन था हमारा, तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन, यानी कि एक एक डिग्री बढ़ने पर अगर उसकी मूल लंबाई में परिवर्तन होता है तो इसे कहा जाता है कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक। अगला क्वेश्चन है कि रेखीय प्रसार गुणांक की अब इकाई क्या हो जाएगी? तो नंबर पर डिग्री सेंटीग्रेड, नंबर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है? दो गुणा रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो ये होगा सुपर फिक्शनल प्रसार गुणांक। ठीक है, सुपर फिक्शनल प्रसार गुणांक, ये देखिए सुपर फिक्शनल प्रसार गुणांक। क्वेश्चन नंबर 134 करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे, तीन गुणा रेखीय प्रसार गुणांक के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? क्यूबिकल। तो डबल के लिए क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल, और अगर तीन गुणा हो जाएगा रेखीय प्रसार तो यहां पे आ जाएगा क्यूबिकल एक्सपांशन। क्यूबिकल एक्सपांशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक रॉड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर लंबी होती है। तो देखिए क्या कहता है कि 20 डिग्री यहां से करते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर मैं देता हूं तो वो होती है 100 मीटर लंबी। लेकिन यदि मैं उसका तापमान को 100 डिग्री कर देता हूं, तो मैंने बोला हर बार तापमान बढ़ाने पर लंबाई बढ़ेगी, तो यह लंबाई हो गई 100.14 मीटर। लंबाई कितनी हो जाती है? 100.14 मीटर। तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा? तो देखिए रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल वन, यानी कि जो पहले वाला तापमान था वो, ठीक है, सबसे बड़ा जो तापमान होता है वो, इनटू डेल्टा टी। तो डेल्टा एल क्या होता है गाइस? एल वन प्लस एल टू, एल वन माइनस एल टू। ठीक है, एल वन माइनस एल टू यानी कि दोनों लंबाई का अंतर, और तापमान भी क्या होगा? टी वन माइनस टी टू। तापमान का अंतर तो देखिए तापमान में अंतर, लंबाई में अंतर कितना है? 100 माइनस 100.14, तो 0.14 आ गया। L1 क्या है? बड़ा वाला तापमान, ये L है यहाँ पे, T है, हाँ लंबाई, बड़ी वाली लंबाई L1 यानी कि लंबाई है जो, उसे देखते हैं 100। तापमान में अंतर कितना है? 20 और 180 का अंतर है, 20 और 180 का अंतर है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर कितना है? 1.75 × 10⁻¹⁵ डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका आ गया रेखीय प्रसार गुणांक। फॉर्मूला याद रखना चाहिए, डेल्टा L अपॉन L1 इंटू डेल्टा T। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान, कोई भी पदार्थ है उसका इकाई द्रव्यमान, यानी कि कुछ पर्टिकुलर वजन है, मैं मान लेता हूँ एक वजन है एक ग्राम, उसका तापमान एक डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक हीट। क्या कहा जाएगा? स्पेसिफिक हीट कहा जाता है।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 137 का करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला भी बदलता जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, ये कहता है कि हाउ मच क्वालिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, यानी कि हीट की मात्रा पूछ रहा है। तो हीट का फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू टी, ठीक है, और टी भी कौन सा होता है डेल्टा टी, टी भी डेल्टा टी होता है। अब ये कहता है मास का कहता है, देखिए मास दे रखा है आपको 120 लीटर, मास दे रखा है 120 लीटर, आपको T1 तापमान दे रखा है 20 डिग्री और T2 तापमान दे रखा है 85 डिग्री सेंटीग्रेड में, और आपको S क्या दे रखा है 4.2 किसकी दे रखा है, हाउ मच क्वालिटी ऑफ हीट, यानी कि कुछ नहीं बताया तो अपन को तो सीधे सीधे चलना है, क्यों निकालना है। तो देखिए M की जगह तो 120 रखेंगे हम लोग, S की जगह आ जाएगा 4.2 और डेल्टा T की जगह इन दोनों का अंतर, तो 20 माइनस 85 करूंगा तो कितना जाएगा 65, 20 माइनस 85 हो गया आपका 65, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना, सॉल्व करोगे तो आएगा 32760 किलोजूल, 32760 क्योंकि ये लीटर में, ठीक है, अगर मिली लीटर में होता तब आपका आंसर जूल में आता, लेकिन यहाँ लीटर में इसलिए आपका आंसर आया किलोजूल में। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा ये हो तो आ गया 32760 आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 डिग्री से 35 डिग्री तक 85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना कीजिए। अब इसने आवश्यक ऊष्मा की मात्रा पूछ ली अपन से, चलिए देखते हैं क्या कहता है। तो अपने को बताया कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू एम एस और डेल्टा टी होता है। तो एम का मान कितना दे रखा है हमें यहाँ पे दे रखा है, देखिए एम का मान दे रखा है कितनी रेत है 85.5 ग्राम दे रखा है। एस का मान आपको दे रखा है 15, एस का मान 15 दे रखा है। तापमान का अंतर की बात करें, देखिए गाइस अच्छा तापमान में अंतर है 15, लेकिन आपको ये तापमान में अंतर 15 है। अब एस की वैल्यू देखिए हिंदी वाले में तो नहीं दे रखी, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखें तो दे रखा है 0.1, तो बस इसको 0.1 लिख दीजिए। ये पूरे को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 128.25 जूल। अब देखिए यहाँ पे आपको ये जो 85.5 है ये ग्राम में दे रखा था इसलिए ये जूल में आया, और यहाँ पे आपको देखिए ये लीटर में दे रखा था इसलिए ये किलो जूल में आया। अगर ये अगर किलोग्राम होता तो ये किलो जूल आ जाता, सिंपल सी ये बात है, ध्यान रखेंगे। चलिए सो ये हो गया, चलिए अब अपना थोड़ा रफ कर लेते हैं, बोर्ड पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। चलिए सो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 140 हो गया, अच्छा 140 क्वेश्चन नंबर 140 कहता है कि व्हाट इज स्पेसिफिक, यानी कि मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है। अब इसने विशिष्ट ऊष्मा यानी कि एस पूछ लिया, जबकि फॉर्मूला का क्या है क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, लेकिन अब इसने आपसे एस पूछ लिया तो एस तो इधर आ जाएगा और ये एम और डेल्टा टी क्यू के नीचे चल जाएंगे, तो क्यू बाय एम इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्यू का मान देखिए क्या दे रखा है, ये कहता है कि 510 कैलोरी, तो 510 ऊपर आ गया, हाँ कैलोरी 510 आ गई। चलिए और ये कहता है कि वजन जो मास की बात करें तो वो दे रखा है 170 ग्राम, हिंदी वाले क्वेश्चन में नहीं दे रखा, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में दे रखा है 170 ग्राम वजन दे दिया। तापमान में अंतर देखिए 50 डिग्री से 80 डिग्री यानी कि 30 डिग्री का अंतर दे रखा है। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए अगर आपको 17 का पहाड़ा याद है तो 0 से 0 17 51 3 से 1 गया 1 बार, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 1/10 आ रहा है, ठीक है 1/10 आ रहा है 1/10। अब इस 1/10 का आंसर क्या हो जाएगा 0.1, यानी कि आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई 0.1 और स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है कि किलो कैलोरी में 25 डिग्री से 75 डिग्री तक 300 ग्राम तांबे के तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी मात्रा में विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो भाई कुछ ऊष्मा ही रहा है लेकिन एम इंटू एस इंटू डेल्टा का फॉर्मूला भी लगाना है। तो देखिए वजन इसने कितना बोल दिया हमारे को, यहां बोल दिया कि 300 ग्राम तांबे का वजन, लेकिन किलो कैलोरी में आंसर क्या पूछा है कि किलो कैलोरी में क्या होना चाहिए। अब किलो कैलोरी बोला है और 300 ग्राम दे रखा है, तो आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे यानी कि 0.3 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 300 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एक अदर का भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये 1 और 0 रह गए यानी कि 3/10.3 आ गया। एस का मान की अगर मैं बात करूं तो 50 दे रखा है आपको, वो लगाया ना अच्छा तापमान में अंतर दे रखा है 25 × 50, तो एस का मान तो कितना दे रखा है आपको देखिए इंग्लिश वाले में लिख रखा है 0.092 और तापमान में अंतर 30 से 80 यानी कि 50 डिग्री का तापमान में अंतर दे रखा है। बस अब ये पूरा सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 1.38 किलो कैलोरी, क्योंकि अगर आपने ये वजन हमारा क्या है किलोग्राम में तो किलो कैलोरी में ही तो आंसर आएगा। तो देखिए इस तरीके से भी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि किलो कैलोरी में दिया है तो आपको 300 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। चलिए
तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 141 तक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहता है कि फोर्जिंग के उद्देश्य से 400 किलो वजन वाले तांबे के पिंड द्वारा 40 डिग्री से 72 डिग्री तक गर्म करने पर कितनी ऊष्मा अवशोषित होती है यदि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा है 0.09। तो भाई क्यू की वैल्यू पूछ ली इसने अपने को, मास कितना दे रखा है 400 किलो। अब 400 किलो दे रखा है तो किलो कैलोरी में अपने ऑप्शन है सारे, तो किलो देखिए 400 आ गया, 400 क्या दे रखा है आपको विशिष्ट ऊष्मा 0.09 और तापमान अंतर 40 से 72 यानी कि 32। अब बस इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1152 किलो कैलोरी। तो क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और चलिए क्वेश्चन नंबर 143। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 143 क्या है, उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रभाव को प्रतिबंधित। अब देखिए इंसुलेटर में कभी भी ना तो ऊष्मा में कंडक्शन के द्वारा ना कन्वेक्शन के द्वारा ना रेडिएशन के द्वारा, तो जहां ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता उसे कहा जाता है इंसुलेटर यानी कि कुचालक। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, इनमें से कौन सा ऊष्मा रोधक है यानी कि जिसके अंदर ऊष्मा नहीं जाती, ऊष्मा को रोक लेता है, थर्माकोल, कॉपर, ब्रास या एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम, थर्माकोल। क्वेश्चन नंबर 144 करेक्ट आंसर होगा ए, थर्माकोल। क्वेश्चन नंबर 145 देखें, किसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है यानी कि सबसे ज्यादा ऊष्मा की चालकता किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर, किसके अंदर, सॉलिड में भी, सॉलिड आइस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉलिड आइस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 145 का करेक्ट आंसर हो गया सॉलिड आइस। क्वेश्चन नंबर 146 देखें, ऊष्मा रोधक मटेरियल इनमें से कौन सा गुण नहीं है। तो देखिए ऊष्मा रोधक के अंदर तन्यता का गुण नहीं होता, कौन सा गुण नहीं होता, तन्यता यानी कि डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का गुण नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला मटेरियल कौन सा। तो रेफ्रिजरेटर में कौन सा मटेरियल व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, थर्माकोल बता ही दिया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देखें। क्वेश्चन नंबर 148, इनमें से कौन सा एक खराब ऊष्मा रोधक है। तो खराब ऊष्मा रोधक की बात करनी है, ग्लास, कॉर्क, रबड़, सोडर। तो देखिए ग्लास कभी भी ऊष्मा रोधक नहीं है, ग्लास तो एक बार एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो उसे बाहर जाने नहीं देगा। तो क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कांच यानी कि ग्लास। चलिए अगली चीज देखते हैं, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है, वो कौन सा तापमान है जिस पर ठोस द्रव में पिघल जाएगा। तो उसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट, वो तापमान जिस पर ठोस द्रव में पिघल जाए तो उसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु। क्वेश्चन नंबर 149 करेक्ट आंसर हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे, एल्यूमिनियम का क्वथनांक क्या है। अब बात करते हैं क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, वही मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में कहा जाता है क्वथनांक। तो चलिए क्वथनांक क्या होगा एल्यूमिनियम के लिए, 660 डिग्री पर एल्यूमिनियम पिघल जाता है, 660 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम पिघल जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे कि एल्यूमिनियम का गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा गलत देख गया गाइस, मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक, आपकी किताब में गलत लिख रखा है तो मुझे भी गलती हो गई सॉरी। और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे कहा जाता है क्वथनांक, ध्यान रखें बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है, क्वथनांक, ठीक है। चलिए सो एल्यूमिनियम का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 2519 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये ऑप्शन ही गलत है। देखिए 660 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका क्या है, क्वथनांक, आपकी किताब में गलत दे रखा है तो आप ध्यान से दें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 150 जो आपका, अगर ऑप्शन सही है 660 डिग्री लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन आप इंग्लिश वाला मानो, हिंदी वाला मानोगे, क्वथनांक यानी कि ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग, और ये क्या है, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए भाई उबल तो जल्दी जाएगा पिघलने में टाइम लगेगा, तो क्वथनांक होगा 2519 डिग्री पे गलेगा और 660 डिग्री पे बॉइल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़े से आपकी किताब में गलत दे रहे हैं तो उसको आप लोग सुधार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पानी का क्वथनांक क्या होगा यानी कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, सो वाटर का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मरकरी का क्वथनांक कितना होता है, पारे का क्वथनांक यानी कि बॉय, अब देखिए यहाँ इंग्लिश में दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट, हिंदी में दे रखा है क्वथनांक, तो हम क्वथनांक ध्यान रखेंगे, पारे का क्वथनांक होता है -38.72 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 140, पारे का गलनांक क्या है। अब गलेगा तो ज्यादा डिग्री पे यानी कि 357 डिग्री, तो ध्यान रखें
ये क्या है? पथनांग, यह है गलनांग। ध्यान रखें यह है इसका गलनांग बिंदु। अगला है क्वेश्चन नंबर 155, क्या कहता है कि बल और इकाई क्षेत्र के अनुपात, यानी कि बल और इकाई क्षेत्र को, यानी कि मैं कह देता हूं फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन ए, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 156, एक बार का समतुल्य पास्कल मान कितना होगा, यानी कि एक बार बराबर होता है आपके 105 पास्कल के, 105 पास्कल। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 156। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 कि दाब की एसआई इकाई क्या है, तो दाब की एसआई इकाई होती है पास्कल। दाब की एसआई इकाई क्या होती है? पास्कल। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 157 कंप्लीट। चलिए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 158 की, थोड़े से ये जो दो तीन क्वेश्चन है थ्योरी के देख लेते हैं। चलिए अगला है कि कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम किसका होता है? जनरेटर का होता है। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। तो 158 का करेक्ट आंसर हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 करंट की इकाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 159 करंट की इकाई क्या होती है? एम्पियर। करंट की इकाई क्या होती है? एम्पियर। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 देखेंगे, क्या कह रहा है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। क्वेश्चन नंबर 161 देखेंगे, 161 क्या कहता है, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर हो जाएगा करंट, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 162 क्या कहता है कि पदार्थ के कौन से गुण के कारण वह विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है, तो पदार्थ का कौन सा गुण है जिस वजह से वो विरोध करेगा? तो रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 162 का करेक्ट आंसर क्या हो गया गाइस? रेजिस्टेंस की वजह से वो पदार्थ का विरोध करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 पे आते हैं, कौन सा कंडक्टर सबसे ज्यादा अच्छा है, कॉपर, कास्ट आयरन, व्रॉट आयरन या स्टील? तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इन सारों में से कॉपर, वैसे तो सिल्वर और गोल्ड भी है। क्वेश्चन नंबर 164 देखेंगे आप, 164 क्या कहता है, कौन सा खनिज इंसुलेटर, ग्लास इंसुलेटर नहीं है, क्वार्ट्ज नहीं है, पोर्सलिन नहीं है, अच्छे खनिज की बात करें तो खनिज में आता है माइका। माइका को हिंदी में क्या कहा जाता है? अभ्रक। माइका को हिंदी में कहा जाता है? अभ्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर 165, आप न्यूमेरिकल आ रहे हैं आपकी तरफ, तो इनको रफ कर लेते हैं पहले। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो देखेंगे सबसे पहले आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 161। ये कह रहे हैं कि तीन रेजिस्टेंस है, 3 ओम, 9 ओम और 5 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना है। तो ये देखिए 3 ओम, 9 ओम और 5 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में, तो सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, ध्यान हो, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? 3 + 9 + 5 जब भी सीरीज में हो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17 ओम। ठीक है, 17 ओम आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 देखेंगे, 166 में क्या कह रहा है कि 4 ओम और 6 ओम के दो रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हैं। ठीक है, तो ये रजिस्टर दो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, 4 ओम के और 6 ओम के, तो जब भी पैरेलल में दो रजिस्टेंस, उसकी ट्रिक क्या है, ऊपर तो दोनों को गुणा कर दो और नीचे दोनों को प्लस कर दो, तो 4 6 24 और 4 + 6 10, तो करेक्ट आंसर आ गया आपका 2.4 ओम। दो रेजिस्टेंस हो तब ये काम करेंगे, जब 3 हो तो ये काम नहीं करेंगे, 3 हो तो क्या ट्रिक है वो मैं भी आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 167 में क्या लिखा है, 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम के तीन रेजिस्टेंस को पैरेलल में, अब पैरेलल जोड़ा जा रहा है, तो देखिए क्या कर रहे हैं, पैरेलल में जोड़ दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम। तो देखिए पैरेलल में किसे निकाला जाता है? 1/R = 1/R1 यानी कि 4 + 1/R2 यानी कि 6 + 1/R3 यानी कि 8। अब 4, 8, 6 इसको सोल्व कैसे करोगे? आप एलसीएम लो, इन चारों का एलसीएम आप यदि लोगे तो आपका आ जाएगा 24। अब 24 में 4 का भाग 6 बार जाएगा और 6 × 1 = 6। 24 में 6 का भाग 4 बार गया और 4 × 1 = 4 और 24 में 8 का भाग 3 बार गया, 8 × 1 = 3। तो 6 + 4 + 3 कितने हो गए? 13। आपका आंसर आया 13/24। लेकिन अब ये 1/R है और आपको R चाहिए तो उसे भी उल्टा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 24/13। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा 24/13 यानी कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपके लिखने लगा क्योंकि आंसर आपका यही करेक्ट आएगा। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखिए, अच्छा अभी कुछ आपके न्यूमेरिकल को छोड़ के वैसे आ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देता है कि क्या शॉर्ट सर्किट, क्या सर्किट में रेजिस्टेंस को सीरीज कनेक्शन में क्या होता है?
जब भी हम सर्किट में सीरीज कनेक्शन करेंगे तो क्या होता है, तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जब भी आप देखिए सीरीज में जब आप कनेक्शन करोगे तो क्या होता है, मान लीजिए कि यहां से मैंने करंट भेजी आई, तो वही करंट आई यहां होगी, वही करंट आई यहां होगी, और वही करंट आई मुझे यहां पे मिल गई, फिर दोबारा से आई यहां मिलेगी। तो सीरीज में किसका मान समान होता है, क्वेश्चन नंबर 168 पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 168 में, तो क्या टिक करेंगे, करंट का मान समान होता है। क्वेश्चन नंबर 169 कहता है कि पूरा इंग्लिश में देखा, मैं आपको समझाता हूँ, विच लॉ स्टेट दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यानी कि सामान्य तापमान पर करंट पासिंग थ्रू अ क्लोज सर्किट, करंट जब एक क्लोज सर्किट से पास होती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, ओम का नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 169 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 169 का करेक्ट आंसर हो गया ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 170 पे चलें तो देखिए क्या कहता है कि रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, ये पूछता है आपसे आर क्या होगा। तो भाई पहले वी तो बताओ, तो वी का मान दे रखा है आपको 380 वोल्ट और आई का मान आपको दे रखा है इसलिए 11.5 एम्पीयर। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, पता है ना। अब आर पूछ रहे हैं तो आर निकालना है तो आई इसके नीचे आ जाएगा, तो ये वी बाय आई हो गया। अब वी का मान कितना दे रखा है 380, आई का मान दे रखा है 11.5, इन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 33 ओम, आपका आंसर आ जाएगा 33 ओम। V by I R का फॉर्मूला, V is equal to IR का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 171 अगेन क्या कह रहा है, R का मान आपको दे रखा है 50 ओम, इसी के साथ R के साथ आपको V का मान दे रखा है 220 वोल्ट, अब आपसे पूछता है I का मान बताओ। तो कौन सी हार्ड बात है भाई, V is equal to IR का फॉर्मूला लगाएंगे। अब I अपने को नहीं पता तो I का मान कितना हो जाएगा V by R, V का मान आपको 220 दे रखा है, R का मान 50 दे रखा है, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 0.44 एम्पीयर। तो V क्या होता है I into R, I का मान 0.44 into R का मान 250, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर क्या आएगा वो आप मल्टीप्लाई करोगे जब भी पता पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, चलिए तो यहां आपका आंसर आ रहा है 4 एम्पीयर। कितना आ रहा है 4 एम्पीयर आपका करेक्ट, 4 एम्पीयर का आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 188 में 550 और अच्छा हमने थोड़ा सा क्या करा, हमने हाँ ये रहा, हाँ इसका वोल्टेज में आएगा 110 वोल्ट आएगा। सॉल्यूशन हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं इसलिए ठीक है, मुझे देखना पड़ रहा है बार बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 173 चलिए व्हाइट चौक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये कहता है कि ओम के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो आपको पता है भाई ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, तो ऐसा कोई चीज तो मुझे दिख नहीं रही, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि I को कैसे मैं लिख सकता हूँ, I इक्वल इस प्रोपोर्शनल हो जाएगा V बाय R, या फिर R का मैं निकालना चाहूँ तो V बाय I हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या दे रहा है आपको, I इस प्रोपोर्शनल टू V बाय R ये दे रहा है, तो बस आपका ये यही ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पीयर करंट ले रहा है तो फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी कि इसने मुझे वोल्टेज तो दे दिया 6 और कितना दे दिया एम्पीयर दे दिया, इसने मुझे आई का मान दे दिया 0.5, तो रेजिस्टेंस का मान पूछे तो आर का मान कितना हो जाएगा वी बाय आई, यानी कि 6/0.5 जो कि हो जाएगा 12 ओम। तो रेजिस्टेंस का मान कितना हो गया 12 ओम, जो कि आपके 176 में 12 वाट लेकर रखा है वो एक्चुअल में ओम होगा। क्वेश्चन नंबर 175 देखेंगे कि एक घंटे में कितने वाट होता है, तो आप ध्यान देखें एक वाट घंटे में कितने वाट सेकंड होंगे, ये चीज पूछी। ये देखिए एक वाट घंटे में कितने वाट सेकंड होंगे, तो वाट तो चले लेकिन हम घंटे को सेकंड में बदलना है, तो एक को भाग किससे दे देंगे 3600 से, भाई ये मान लेता हूं मैं एक घंटा है। अब घंटे को अगर आपको किसमें सेकंड में कन्वर्ट करने दो, सॉरी 3600 से मल्टीप्लाई करो, तो एक इंटू एक घंटे को
अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से, और मिनट को सेकंड में करेंगे तो फिर 60 से, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा 3600 वाट सेकंड, वाट पर सेकंड आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, अच्छा 176 भी है, 176 बहुत आसान है, कह रहा है कि 1 वोल्ट का ईएमएफ 1 एम्पीयर करंट के कारण प्रभाव बनाता है तो पावर कितनी होगी। तो देखिए पावर का एक फॉर्मूला होता है v2/r, एक होता है i2/r, लेकिन यहां पे v2/r वाला नहीं लगेगा, अच्छा एक और फॉर्मूला यहां पे v into i। तो कह रहा है 1 वोल्ट का ईएमएफ 1 एम्पीयर करंट के प्रभाव बनाता है तो पावर, तो 1 * 1 कितना हो गया 1, तो पावर आ गई 1 वाट। ठीक है चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177 क्या कहता है कि इनमें से क्या विद्युत धारा के बराबर है, पावर के बराबर क्या है, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है पावर का फॉर्मूला। तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है i2r या फिर v2r, और ऑप्शन में क्या दे रखा है i2r, तो 177 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा 177 तक हो चुके हैं, यानी कि पावर करंट पावर को आप लोग आई स्क्वायर आर से डिनोट करोगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रिकल हीटर, क्वेश्चन नंबर 178 है, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178 क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रिकल हीटर 10 एम्पीयर का करंट लेता है और 200 वोल्ट पर कितनी शक्ति देगा। तो सीधा सीधा क्या पूछा है इसमें, देखिए पावर पूछा है तो वी इंटू आई कर देंगे अपन सीधे से, तो देखिए वोल्टेज कितना दे रखा है 200 वोल्ट करंट दे रखा है 10, क्या हो गया 2000, ठीक है क्या हो गया 2000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 179 देखेंगे क्या कहता है कि यदि एक इलेक्ट्रिकल आयरन की रेटिंग 220 वोल्ट और 500 वाट है तो उसका रेजिस्टेंस, तो मुझे पावर का एक फॉर्मूला याद है v2/r। अब यहाँ वोल्टेज दे रखा है, पावर देकर रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो अब पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से v2/p, ये r हो गया यहाँ पे। अब वोल्टेज कितना दे रखा है देखें, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट, पावर कितनी दे रखी है 500 वाट। अब इसको कर लो 2 0 से 2 0 कट गए, अब 22 × 22 करो बटे 5 करो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 96.8 ओम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 देखेंगे, तो ये पूछता है व्हाट इज वोल्टेज ऑफ इमर्शन रोड, वोल्टेज पूछ रहा है और क्या दे रखा है आपको, पावर दे दिया पावर 500 वाट, करंट कितनी दे दी इसने मुझे 2.27 एम्पीयर। अब आपसे वोल्टेज पूछ रहे हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला p = v into i वाला लगाएंगे। अब आप देखिए p चाहिए आपको, तो क्या कर दो आपको v चाहिए तो p/i कर दो, p कितना दे रखा है आपको 500, i कितना दे रखा है 2.27, बस इसको डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 220.3 वोल्टेज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 180 का करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ आते हैं, चलिए तो थोड़ा सा ये क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं। देखिए क्या कह रहा है सबसे पहले चीज कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर। अगला एक कौन सा नियम बताता है कि इलेक्ट्रो इंडक्शन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमारे फैराडे चाचा बताते हैं। ठीक है फैराडे जी बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। अगला एक क्वेश्चन नंबर 183 इंड्यूस ईएमएफ का सूत्र क्या है, इंड्यूस ईएमएफ का सूत्र होता है BLV sin theta इंड्यूस ईएमएफ का सूत्र है, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया आपके 183 का सी। क्वेश्चन नंबर 184 क्या कहता है ईएमएफ से क्या तात्पर्य, तो ईएमएफ का पूरा नाम क्या है इलेक्ट्रो देख लो आपके मोटिव है या मैग्नेटिक है, अच्छा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक लिख लेते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड ईएमएफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 184 देखेंगे, 184 क्या कहता है, अच्छा ये 184 हो गया, 185 देखिए स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, तो स्टैटिकली यानी कि जहां कोई भी घूमने वाला हिस्सा ना हो और वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा हो, तो ऐसा सिर्फ एकमात्र करंट कौन सा है मेरे पास ट्रांसफार्मर, ऐसा करंट कौन सा है ट्रांसफार्मर। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 186 क्या कहता है कि डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ, अब डायनामिकली यानी कि घूमते घूमते इंड्यूस ईएमएफ होता है, तो उसके लिए मशीन मेरे पास कौन सी है जनरेटर या फिर आप कह लो अल्टरनेटर, लेकिन ऑप्शन में क्या है कार मोटरबाइक मोटर और जनरेटर, तो करेक्ट आंसर हो गया मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट की मैं बात करता हूं तो ये आएगी वाट, तो क्वेश्चन नंबर 187 का आंसर हो गया सी यानी कि वाट। क्वेश्चन नंबर 188 की बात करते हैं, चलिए न्यूमेरिकल है थोड़ा सा पहले बोर्ड की साफ सफाई कर ली जाए।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 188। चलिए क्वेश्चन नंबर 188 क्या कहता है कि व्हाट इज द करंट फ्लो, करंट की वैल्यू निकालनी है जब पी का मान आपको कितना दे रखा है 550 वाट, आई का मान आपको दे रखा है 22 ओम और आपसे पूछता आर का मान, ये आर का मान है। अब आई पूछा है आपसे, आपको पता है पी का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर, अब आई स्क्वायर तो पूछा है आपसे और आपको आर की वैल्यू कुछ बतानी है, आपको आर और पी दे रखा है तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाय आर। अब स्क्वायर रहेगा तो अंडर रूट आ जाएगा ना, तो पी बाय आर का अंडर रूट बराबर होता है आई को। अब चलिए पी का मान कितना दे रखा है आपको 550, आई का मान 22 दे रखा है, ठीक है अब करो आर का मान 22 दे रखा है, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, दो से कटेंगे तो 25 बार और 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, यानी कि आपकी करंट का मान कितना आ गया 5 एम्पियर, करंट का मान आ गया आपका 5 एम्पियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 188 आपका कंप्लीट करा दिया है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 189 पे, ये कह रहा है कि पावर की रिक्वायर्ड कितनी होगी जब आई का मान इतना दे रखा है और आर का मान इतना दे रखा है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है पी का आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.455 का स्क्वायर इंटू आर का मान कितना दे रखा है 484 ओम, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 100.2 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप स्वयं सॉल्व करें, ठीक है इतनी भी ज्यादा अपन को हेल्प नहीं करनी आपकी कि क्वेश्चन ही सॉल्व ना करें आप लोग। अब आता है क्वेश्चन नंबर 190 पे, क्वेश्चन नंबर 190 क्या कहता है, यदि एडजस्टेबल रजिस्टर में निम्नलिखित लेबल है तो उसकी रेटेड पावर क्या होगी, यानी कि देखिए लेबल क्या दे रखा है 1.5 किलो ओम अपॉन 0.08 एम्पीयर दे रखा है, तब उसमें वाटेज क्या होगी। तो देखिए वाटेज निकाल लो, पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर, अब आई स्क्वायर कितना है 0.01 का स्क्वायर, आर का मान 1.5 किलो है तो 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा, बस इसको सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा 9.6 वाट आपका आंसर आ जाएगा सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 191 देखिए क्या कहता है कि एक 40 वाट के फ्लोरोसेंट लैंप जो करंट लेता है उसे प्रकाश में करने के लिए कितने वोल्ट की आवश्यकता है। बात करें 40 वाट का लैंप, यानी कि पावर दे दी 40 वाट, यहां देखिए करंट भी दे रखी है 0.01, इंग्लिश वाले में देखें तो 0.01 करंट दे रखी है 0.01। अब पूछ रहा है आपसे वोल्टेज का मान बताइए, तो वोल्टेज का मान निकाल लेंगे कैसे, P इज इक्वल टू होता है V इनटू I, अब V पूछा है तो क्या हो जाएगा P बटे I हो जाएगा V का मान, तो ठीक है P की जगह कितना रखेंगे 40, I की जगह रखेंगे 0.1, आपने पॉइंट हटा तो ऊपर 400 गया तो क्या हो गया आपका आंसर 400 वोल्ट, आंसर क्या हो गया 400 वोल्ट हो गया ना, कितना इजी था देखो। तो इतने ही जल्दी जल्दी आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब भी तो आपके नंबर अच्छे आएंगे और आप पेपर जल्दी कर पाओगे, अपनी क्रॉस चेक भी तो कर पाओगे, ध्यान रखना वहाँ पे आप पेपर करते हो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, अदरवाइज हमसे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 191 तक खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 192 देखते हैं जो कि बहुत आसान है। क्या कहता है कि 100 वाट का बल्ब है मेरे पास, अब उसे 1 किलोवाट आवर, अब 1 किलोवाट आवर एक यूनिट बराबर क्या होती है, यहाँ देखिए एक यूनिट बराबर होती है 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1000 वाट, यानी कि 1 किलोवाट आवर में कितना होता है 1000 वाट आवर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है कि 100 वाट का बल्ब है तो एक यूनिट की ऊर्जा खपत कराने के लिए उसे कितने घंटे चलाने की आवश्यकता है, ठीक है अब 1 घंटे चलाने, चले आवर भी एक हो गया मान लीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया 1000 × 1, तो अब मुझे करना कितना है 1000 करना है, लेकिन मुझे दे कितना रखा है 100 दे रखा है और यहाँ पे एक यूनिट दे रखी है तो 100 वाट है, तो यानी कि मुझे कितने घंटे 10 घंटे चलाना पड़ेगा तभी तो कितना होगा 1000 किलोवाट आवर होगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 10 हो गया। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 193, अब हमारे पास थोड़े से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं गाइस ट्राइंगल के एरिया के, ठीक है ये वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देखेंगे हम लोग 193, क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं। चलिए 193 कहता है एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी दे रखी है 18, तो 18 का स्क्वायर कर देंगे और 18 का स्क्वायर होता कितना है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 194, तो क्वेश्चन नंबर 193 का आंसर हो गया डी, क्वेश्चन नंबर 194 कहता है
एक वर्गाकार प्लेट की एक भुजाएं 28 सेंटीमीटर तो उसका कर्ण निकालिए। तो मैं कहता हूँ ये वर्ग हो गया, इसकी सभी भुजाएं बराबर है, एक इसकी भी डायगोनल है और हर एक भुजा की लंबाई है 28। आप कह रहे हैं इसकी लंबाई तो देखो, इसकी लंबाई आप कर्ण स्क्वायर बराबर आधार पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर। आधार है 28 का स्क्वायर प्लस लंब भी है 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? 784। तो 784 प्लस 784, अभी कर्ण स्क्वायर था लेकिन मुझे कर्ण की वैल्यू निकालनी तो अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे, और इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा? दोनों दो बार जोड़ेंगे तो वही 28 आ जाएगा। तो कर्ण भी आपका 28 आ जाएगा, डायगनल भी आपका 28 ही आएगा, नहीं डायगनल आपका ये नहीं आएगा, डायगनल आएगा गाइस आपका 39.59 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ग की भुजा क्या होगी? अब भुजा निकालने ये कि क्षेत्रफल 625 दे रखा हो, तो क्षेत्रफल तो 625 दे रखा है, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और आपको भुजा निकालने, तो भुजा निकालने तो ये स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा उधर जाके, 625 अंडर रूट भुजा, और 625 किसका अंडर रूट है? 25 का। तो आपकी एक भुजा की लंबाई या लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 196 पे आते हैं। क्या कहता है कि एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर में 28 है? तो परिमाण की बात कर रहे हैं, यानी कि परिमाण का फॉर्मूला अलग होता है, क्या होता है? 2 × length × weight, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 × करेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई क्या है? 18 + 20, तो जोड़ दो 20 + 18 जो भी है 38 हुआ, 38 का 2 × करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? परिमाण आएगा, सॉरी 38 का 2 × 76 है, सॉरी गाइस 76 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 197 पे आते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई पे चौड़ाई दे रखी? तो आसान है, आयत का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 10 × 8 80 सेंटीमीटर। आयत का फॉर्मूला क्षेत्रफल का पता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 10 × 8 80 सेंटीमीटर² आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 हो गया, 198। क्वेश्चन नंबर 198 क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी आधार 10 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 5 है? तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 करा, आधार आपको कितना दे रखा है गाइस? आधार दे रखा है 10, ऊंचाई दे रखी है 5। तो पहले इसमें करेंगे तो 5 बार गया, ठीक है, तो कितना गया? 25 सेंटीमीटर². चलिए क्वेश्चन नंबर 199 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 क्या कहता है? उस विषमभुज समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं का माप 40, 20 व 28 mm है? परिमाप पूछा है, तो परिमाप कैसे निकालते हैं? तीनों को जोड़ दो, तो 20 + 40 + 28 कितना हो गया? ये 40, 60, 88 mm में दे रखा था, mm ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 200 देखिए। चलिए हमारी डबल सेंचुरी पूरी होने वाली है, सो एक बार डबल सेंचुरी पे सब लोग लाइक कमेंट कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ये पूछता है 40, 450 mm भुजा दे रखी है, 40 mm भुजा वाले समबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4a². तो √3 की जगह √3, 4 × 4, ए स्क्वायर का मान कितना होगा? तो ए स्क्वायर है 450, तो 450 का स्क्वायर करना है, ध्यान देंगे 450 × 450 करना है। लेकिन अब एक चीज ध्यान देंगे, आपने ये सब कर लिया उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? यहाँ आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो mm को स्क्वायर में करने के लिए आप यही क्या कर सकते हैं? × 10, इसको भी 10 से और इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तभी तो ये mm की वो कन्वर्ट होगी, या फिर जो भी वैल्यू आए उसको आप 10 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करना ना भूले, अन्यथा आपका आंसर नहीं आएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 201 क्या कहता है कि 50 सेंटीमीटर वृत्त वाले व्यास, 50 सेंटीमीटर व्यास, डाया 50 है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। भाई पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, पाई का मान तो 3.14 होता है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि उसका आधा करेंगे। ध्यान रखें डायामीटर का आधा ही आपका रेडियस होता है, तो डायामीटर है 50, तो रेडियस हो गई 25। बस इन दोनों को सॉल्व कर लो और 25 × 25 होगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर है, और पाई आर स्क्वायर करने पर आपका आंसर आएगा 1962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 201 के बाद क्वेश्चन नंबर 202 करेंगे, 202 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 202 कहता है एक अर्ध गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्ध गोले के क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि पूरा गोला है उसका आधा कर देना है, क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 20 है? यानी कि मैं मानता हूं कि मैं पहले अपना निकाल लेता हूं, तो इसका फॉर्मूला देखिए पाई आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि
एक गोले को आधा कर दो तो क्षेत्रफल भी आधा हो गया। तो पाई का मान कितना है 3.14 इंटू आर कितना है 20 सेंटीमीटर। डाया है तो उसका आधा 10 हो गया, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 बटे 2 कर दो। बस अब आप आंसर निकाल लो। तो इसका आंसर क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 202, क्वेश्चन नंबर 202 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 203 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 203 क्या कहता है हमारा कि एक गोलाकार छल्ले का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा जिसका डायमीटर डी, बड़ा डायमीटर। देखिए गोलाकार छल्ला तो बड़े का डायमीटर तो है 38 और छोटे का है 32, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो अंदर वाले का होगा ना भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया तो अंदर वाले का होगा। तो ये पूछता है क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, तो भाई पाई आर स्क्वायर लगा लो। लेकिन यहाँ आर कौन सा प्रयोग करेंगे, 32 वाला। तो 3.14 इंटू 32 इंटू 32 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तब आपका आंसर क्या आ जाएगा 330 mm आपका आंसर आएगा। तब ध्यान रखना ये अगर गलती कर दी तो आपका आंसर भी गलत आएगा। क्वेश्चन नंबर 204 क्या कहता है कि उस वृत्त के सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं एंगल 96। अब आपको इसने क्या करा, वृत्त का क्षेत्रफल तो दे दिया लेकिन व्यास देने के साथ साथ इसने एंगल भी दिया है। तो जब भी ये एंगल वाले क्वेश्चन आवे तो उसकी कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है, उसमें फॉर्मूला भी बिल्कुल अलग लगता है। और वो क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 204 देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, एरिया का फॉर्मूला देता है एन बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस एन बटे 360 कर दो और पाई आर स्क्वायर कर दो। अब देखेंगे लेकिन एन का मान क्या रखोगे आप लोग, देखिए यानी कि एंगल कितना दे रहा है 96 दे रखा है, 96 बटे 360 इंटू पाई। आर का मान कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए तो अब ये 96 दे रखा है, तो अब इस 96 को आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये 3 के पारे से जाएगा बल्कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब देखिए अगर आप 8 के पारे से काटना चाहते हो 8 चौके 32 और ये 8 से गया 15 बार, ठीक है 5 एकम 5, 5 3 15, तो 4 इंटू 5 20 और 20 बटे 3 यानी कि 20 पाई बटे 3 अब आपका आंसर आ रहा है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखें जब भी एंगल साथ में दे रखा हो तो एन बाई 60 कर दो, जो एंगल दे रखा उसको 360 से गुणा कर दो और पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है एक षटभुज के क्षेत्रफल एवं परिमाण का सूत्र क्या होगा। तो आपसे पूछा है षटभुज यानी कि हेक्सागन, आपसे पूछा है हेक्सागन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है गाइस, मैं आपको बता दूं 6 इंटू अंडर रूट 3 बटे 2 ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, अच्छा ये 6 इंटू तो किसका फॉर्मूला है एरिया का, लेकिन एरिया को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 को आप देखिए क्या लिखेंगे ये होता है सॉरी ये एक तो ये फॉर्मूला है और इसको देखिए 3 दूनी 6 3 2 दूनी 4 और 2 3 6 तो क्या इसे आप 3 बटे 2 इंटू रूट 3 नहीं लिख सकते। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हेक्सागन के हैं। लेकिन आपसे एक और चीज क्या पूछी, परिमाण का फॉर्मूला, तो परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू लेंथ यानी कि जितनी भी लेंथ दे रखी है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इंटू लेंथ। अच्छा ये यहाँ पे एक और चीज आएगी, एरिया का ए का स्क्वायर यानी कि कोई भी जो भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर भी आएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 205 का करेक्ट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 206 के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 206 क्या कहता है कि एक अंडाकार वस्तु का क्षेत्रफल क्या होगा यदि मेजर एवं माइनर एक्सिस का अक्ष है 5 इंटू 3। तो जब भी एलिप्स के बारे में पूछे तो आप क्या करेंगे, बड़ा मेजर माइनर इंटू पाई, ठीक है मेजर एक्सिस इंटू माइनर एक्सिस इंटू पाई तो कर दो 5 इंटू 3 इंटू पाई यानी कि 15 पाई और 15 को पाई से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 207 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 207 क्या कहता है दोस्तों, इस कास्ट आयरन की छड़का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई कितनी है 20, 15 एवं 20। तो किसी भी छड़ का कास्ट आयरन की छड़ का पूरा अगर संपूर्ण एरिया क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई यानी कि आप लिख सकते हैं एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये लिखना है। देखिए क्या करेंगे 2 इंटू अब कितना दे रखा है एल इंटू बी यानी कि 20 इंटू 15 फिर 15 इंटू 12 फिर 12 इंटू 20 तो इसको सॉल्व कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो फिर आपका आंसर आ जाएगा 1440 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर 1440 मीटर स्क्वायर। चलिए इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 207 का करेक्ट आंसर क्या आ रहा था डी, सॉरी
अच्छा क्वेश्चन छूट गया, ये 208 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या था 1440 सही है। अब हम लोगों को 207 नंबर का छूट गया, 207 नंबर का क्वेश्चन क्या था, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा है 25। तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो 6 करो, भुजा कितनी दे रखी है 25, तो 25 का स्क्वायर 25 × 25 हो गया, 25 × 25 625 × 6 करेंगे तो आएगा 3750 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a स्क्वायर। अगर कोई रॉड है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने, तो 2 × लंबाई × चौड़ाई + चौड़ाई × ऊंचाई + ऊंचाई × लंबाई। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 208 तक हमारे हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 209 पे आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 209 क्या दे रखा है कि एक सिलेंडर के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। तो सिलेंडर है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2πr + h + r, ये होता है इसका फॉर्मूला, किसका, सिलेंडर के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 209 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 210 पर है, तो एक आयताकार टैंक दे रखा है, उसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई दे रखी है आपको, तो आयतन का माप क्या होगा। तो ध्यान रखिए किसी भी टैंक का अगर आप लोग आयतन निकालते हो क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना दे रखा है देखें, 30, 20 और 10, 30 × 20 × 10, तो 3 × 2 = 6 हो गया और 3 0 और लगा दो तो क्या आ गया, क्यूब में 6000 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर में दे रखा है तो मीटर क्यूब हो गया भाई, जो दे रखा होगा उसका क्यूब कर दो बस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211, एक सिलेंडर का आयतन क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो एक चीज क्या ध्यान देखेंगे आपको, सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला है एरिया इंटू हाइट, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। अब पाई का मान तो 3.14 हो गया, आर का मान आपको त्रिज्या दे रही है 7 × 7 और हाइट आपको दे रही है 12, बस इन सबको मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा 846, ठीक है 846 भाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 211 जिसमें आपको सिलेंडर का आयतन निकालना था, फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया इंटू हाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 212 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 क्या कहता है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है उस गोले का आयतन आप किस प्रकार से निकालोगे। तो देखिए गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³, 4/3πr³, बस r की वैल्यू रखो, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 और आंसर आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 212 का करेक्ट आंसर आएगा 1436। सो गाइस चलिए अब हमारे क्वेश्चन नंबर 212 तक कंप्लीट कर चुके थे, अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 213। तो देखें क्वेश्चन नंबर 213 में क्या लिखा हुआ है कि आपको एक सिलेंडर जिसकी बाह्य त्रिज्या है r, आंतरिक त्रिज्या है r और ऊंचाई है h और उसका आपको आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान रखें पाई भाग लिखेंगे अंदर बड़े स्क्वायर का रेडियस माइनस छोटे स्क्वायर का रेडियस, ये आपका हो गया, और मल्टीप्लाई किससे करना है, h लंबाई दे रखी है, फिर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्यूब में आ जाएगी भाई, जो भी मान लो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो वो आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 213 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 214। तो क्वेश्चन नंबर 214 क्या कहता है, कॉनिकल टैंक की क्षमता क्या है, कॉनिकल यानी कि कौन शेप का, जो कौन शेप का होता है, कॉनिकल टैंक की क्षमता क्या है जिसकी त्रिज्या है 2 मीटर और ऊंचाई है 5। तो यानी कि ये देखो ये सर रेडियस दे रखी है आपको 2, ये हाइट दे रखी है 5 यहाँ से सेंटर से, अभी पूछता है इसका क्षमता क्या होगी। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या है, 1/3πr² h, तो 1/3 लिखो पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर, आर का मान कितना दे रखा है 2, तो × 2 × 2, और h का मान कितना दे रखा है 5। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 21 मीटर क्यूब, क्या आंसर आएगा 21 मीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 215 देखें, 75 सेंटीमीटर की त्रिज्या एवं 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक बेलनाकार टैंक कितना पानी, त्रिज्या दे दी वही 75 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दी 100 सेंटीमीटर, अब आपको इसका निकालना है कि कितना पानी रख सकता है। चलिए यहाँ देखिए बात किसकी कर रहे हैं, बेलनाकार टैंक की। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 216 की अगर हम बात करें, तो उस सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या 2 मीटर और ऊंचाई 5। अब हम बात कर रहे हैं सिलेंडर के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो देखें क्वेश्चन नंबर 216 यहां पे देख लेते हम लोग कि सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला की बात करें, देखिए क्या होगा, 2πr h + πr² 2πr h + 2πr² होगा, यहां पे 2πr, तब 2 की जगह 2
पाई की जगह आप लोग लिखोगे 22 बटे 7, त्रिज्या का मान कितना दे रखा है 2, यानी कि 2 आ गया, और एच कितनी दे रखी है 5, प्लस अगेन 2 इंटू 22 बटे 7, और आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या वही 2 है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। अब इसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 88 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 217 पे आ जाता है, फटाफट से देख लेते हैं कि सिलेंडर का घुमावदार क्षेत्रफल याद करें। अब यानी कि जो सिलेंडर है आपका ये, इसका आपको ये वाला घुमावदार क्षेत्रफल अंदर वाला जो है ये अब आपको ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा क्या है, 2πr² है, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r त्रिज्या का मान कितना दे रखा है देखिए 10 सेंटीमीटर, तो बस लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर, सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर आ जाएगा आपका 620, ठीक है 620 समथिंग h भी आएगा, सॉरी 2πr² अच्छा 10 की जगह 100 आएगा ना यहाँ पे, तो बस ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 218 पे आते हैं, और ये क्या आएगा स्क्वायर में आएगा, ठीक है 620 सेंटीमीटर स्क्वायर। 218 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, पूछा है कि बताइए इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है 218 में, तो ये क्या है कॉनिकल है, तो इसे कहते हैं कोन का छिन्नक, क्या कहा जाता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, कोन का छिन्नक। चलिए क्वेश्चन नंबर 219 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 219 कहता है प्रयास द्वारा चालक चलित दूरी एवं भार द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि हम जितना प्रयास लगा रहे हैं वो वाली दूरी, देखिए क्या कहता है प्रयास यानी कि एफर्ट और भार द्वारा यानी कि लोड, तो एफर्ट अपॉन लोड क्या कहा जाता है मैकेनिक वेलोसिटी रेशो। सो क्वेश्चन नंबर 219 का करेक्ट आंसर होगा बी वेलोसिटी रेशो VR, ठीक है। चलिए तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 219 तक हो गए हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 220 क्या कहता है देखिए, यदि 100 किलोग्राम का भार एक साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है और 250 किलोग्राम का प्रयास लगाया जाता है, तो आपसे वही मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है, इसने आपसे क्या पूछ लिया गाइस मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला था लोड अपॉन प्रयास, मैकेनिकल एडवांटेज क्वेश्चन नंबर 220 आपसे पूछ लिया इसने MA का मान। अब MA क्या होता है लोड अपॉन प्रयास, लोड क्या करे देखिए क्वेश्चन में 100 किलोग्राम का भार, 100 किलोग्राम का भार यानी कि 1000 किलोग्राम का, तो यह आपका लोड हो गया, और कहता है 250 किलोग्राम का प्रयास, तो लोड बटे प्रयास यानी कि 250 का प्रयास लगा दिया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया MA, तो MA का मान कितना आ गया 4। चलिए तो आपको समझ आ गया MA कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 देखेंगे, व्हील एवं एक्सल का वेग अनुपात आपको VR निकालना है, क्या निकालना है VR यानी कि वेलोसिटी रेशियो निकालना है, दे क्या रखा है व्हील एवं एक्सल की त्रिज्या क्रमशः MM वे 75 mm है, ठीक है 375 mm वे 75 mm है, तो क्वेश्चन नंबर 221 VR। अच्छा यहाँ जो 219 नंबर का क्वेश्चन की मैंने बात की थी कि एफर्ट और लोड और एफर्ट का रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो बता दिया था। अब VR देखें तो बड़ा डायमीटर अपॉन छोटा डायमीटर यानी कि बड़ा डी बटे छोटा डी हो जाएगा, तो बड़े डी की कितनी दे रखी है 375, छोटे डी की दे रखी है अपने को 25 75, तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा 5, तो VR का मान कितना आ गया गाइस 5 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 222 देखते हैं, क्या कहता है एक साधारण मशीन है जिसका वजन है 120 किलोग्राम और उसे 60 किलोग्राम के बल द्वारा 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो देखिए क्या कहता है कि एक 120 किलोग्राम का वजन है, ठीक है उसे 60 किलोग्राम के बल के द्वारा 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया और 15 मीटर की दूरी तय की गई, तो दूरी कितनी तय गई 15 मीटर। अभी पूछता है कि मशीन का वेग अनुपात यानी कि वेलोसिटी रेशो क्या होगा, तो वेग अनुपात क्या हो जाएगा गाइस, एक चीज ध्यान देने का विषय, वेग अनुपात आप लोग किस तरीके से निकालोगे, जो टोटल डिस्टेंस तय की है वो, ठीक है टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई 15 हो गई, अब 15 में अपन डिवाइड किसका करेंगे ये जो हाइट का, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, तो वेलोसिटी रेशो कितना आ गया 3, ठीक है वेलोसिटी रेशो आ गया आपका 3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब, चलिए क्वेश्चन नंबर 223 कहता है कि साधारण स्क्रू जैक की एफिशिएंसी क्या होगी, अब अपने को एफिशिएंसी निकालनी है, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको मालूम हो तो मैं बता देता हूँ, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, और यहाँ आपको मैकेनिकल एडवांटेज दे रखा है 220 और वेलोसिटी रेशियो आपको दे रखा है 314.2, इसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.7 एफिशिएंसी आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 224 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 224 कहता है
एक साधारण मशीन है जिसका वेग अनुपात है 4, एफिशिएंसी है 75, 25 किलोग्राम का बल लगाया जाता है तो कितना बार। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एफिशिएंसी का मान आपको कितना दे रखा है 75%। चलिए VR वोल्टेज रेशियो का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब अपने को अगर ये दोनों चीज पता है तो MA निकल सकता है यहां से। तो देखिए MA की वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग, यानी कि VR और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करके, तो ये 75% है यानी कि 0.75 × 4 कर दो। अब 0.75 को 4 से करोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, 6 नहीं 3 आएगा आंसर आपका, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए अब हमारे को क्या निकालना है, इसने पूछा है कितना भार उठाया जा सकता है, तो एमए का आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है, और ये बराबर है 3। अब आपको लोड तो दे रखा है 25 किलोग्राम का, तो यहां लिखो 25/effort = 3, सॉरी एफर्ट अपॉन लोड दे रखा है, तो यहां देखिए एफर्ट और लोड 25 था, तो यहां से एफर्ट कितना आ जाएगा आपका 25 × 3 = 75, 25 × 3 = कितना आ गया 75 आपका आंसर आएगा। चलिए 224 नंबर के क्वेश्चन के बाद 225 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 225 नंबर, लिवर के फ्लक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट का नाम क्या है। जो लिवर का फ्लक्स होता है और जो उसका सपोर्टिंग पॉइंट होता है उसे हम लोग कहते हैं फलक्रम, उसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 225 फलक्रम कहा जाता है। चलिए तो 225 का करेक्ट आंसर हो गया बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 226, तो क्वेश्चन नंबर 226 क्या कहता है, चलिए 226 यहाँ हिंदी में है, व्हील एवं एक्सल में 150 किलोग्राम का भार उठाने के लिए कितना बल आवश्यक है, यदि वेग अनुपात 25 है और मशीन की एफिशिएंसी 75, सेम एज इट इज जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपको दे रखा है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 225 कमेंट करके बताना, 226 क्वेश्चन नंबर 224 आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर इसका आंसर ये आएगा, सेम एज इट इज 224 के जैसे है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 226, क्वेश्चन नंबर 227 क्या है, देखिए कह रहा है फल, तो ये कह रहा है फलक्रम से लोड की तरफ, ये हो गया फलक्रम से लोड की दूरी के लिए क्या कहा जाता है, लोड आर्म। अब एक फलक्रम है और फलक्रम से लेके जो लोड की दूरी है उसे लोड आर्म कहेंगे। अगला है फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, देखिए अलग अलग तरह के उदाहरण है लीवर के, तो फर्स्ट ऑर्डर के लीवर के लिए सीजर्स का एक पेपर, ठीक है, सीजर्स यानी कि कैंची, तो कैंची क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की लीवर है। सेकेंड ऑर्डर का लीवर के लिए बोटल ओपनर, बोटल ओपनर आप लोगों ने देखा होगा, ये सेकेंड ऑर्डर का लीवर हो गया। थर्ड ऑर्डर के लीवर का उदाहरण क्या हो जाएगा, फोर्सेप्स, ठीक है, थर्ड ऑर्डर के लीवर का उदाहरण हो जाएगा फोर्सेप्स। चलिए चलिए तो अगला जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 230 था कि थर्ड ऑर्डर का लीवर क्या है, तो थर्ड ऑर्डर के लीवर का उदाहरण है फोर्सेप्स, ठीक है, थर्ड ऑर्डर के लीवर का उदाहरण हो गया फोर्सेप्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 231, कौन से प्रकार का लीवर बेल क्रैंक लीवर कहलाता है, कौन से प्रकार का लीवर बेल क्रैंक लीवर होता है, तो ये आपका कर्व्ड लीवर, ठीक है, मुड़ा हुआ कर्व शेप में, क्वेश्चन नंबर 231 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 232 की बात करें, क्यों हैमर कौन सा ऑर्डर का लीवर है, क्लो हैमर आपने देखा जो कि कील निकालने के काम आता है, जो कील निकालता है गड़ी हुई कील लकड़ी में से निकालता है वो आता है फर्स्ट ऑर्डर हैमर के अंदर, तो ये जो आपका पूरा है ना लीवर कौन कौन से टाइप के होते हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी याद रहेगा, तो क्लो हैमर फर्स्ट ऑर्डर के लीवर में आता है। क्वेश्चन नंबर 230 देखेंगे, 233 क्वेश्चन नंबर 233 क्या कहता है कि डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180/π करना पड़ेगा, ठीक है, एक डिग्री में कितने रेडियन के बराबर होता है, 180/π। क्वेश्चन नंबर 234 देखेंगे, साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोथैलेमस, साइन थीटा क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोथैलेमस के बराबर होता है, तो क्वेश्चन नंबर 234 का ए, 233 का डी हो ही गए। क्वेश्चन नंबर 235, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, अब कॉस थीटा है तो वो होता है हाइपोथैलेमस और एडजेसेंट साइड के, हाइपोथैलेमस और एडजेसेंट साइड के, यानी कि 235 का ए। व्हाट इज इक्वल टू टेन थीटा, अब बचा टेन थीटा, तो वो हो जाएगा अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड यानी कि विपरीत भुजा और आसन भुजा के, तो क्वेश्चन नंबर 234 का ए, 35 का बी और 36 का सी हो गया। चलिए अब थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे बेस, तो क्वेश्चन नंबर 237 देखेंगे, टेन थीटा का मान क्या होगा यदि साइन थीटा है 4.5, तो साइन थीटा दे रखा है आपको 4.5, तो आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है, लाल कक्का LALKAKKA, तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। अब देखिए साइन 4/5 है यानी कि L/K, ये है लंब, ये है कर्ण, तो भैया त्रिभुज बना लो,
तो देखिए लंब कितना है चार, कर्ण कितना है पांच, अब आधार निकालने तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9, और 9 का अंडर रूट हो गया 3, यानी कि इसके लिए आ गई आपकी 3 आ गई। तो अब निकाल लो टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब तो है चार और आधार है तीन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 237 का 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 238 है, सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, क्या कहता है देखिए थीटा का मान क्या होगा यदि साइन थीटा है अंडर रूट 3/2, तो देखिए साइन थीटा का मान कितना है अंडर रूट 3/2 है, तो थीटा कितना हो जाएगा, तो देखो साइन थीटा कब होता है तब अंडर रूट 3/2 होता है, तो देखिए जब साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2, तो थीटा का मान कितना हो गया 60 हो गया। तो इस तरीके से आपको जब पूरी वो टेबल याद करवाई गई होगी, आपकी क्लास में लिखवाई होगी, आपकी किताब में लिखी है, वो पूरी टेबल आपको याद कर रही है। क्वेश्चन नंबर 239 देखेंगे, यदि tan 45 का मान कितना होगा यदि sin 45 का मान, तो देखिए गाइस क्या कहते हैं sin 45 का मान कितना है 1/√2, sin 45 का मान है 1/√2। चलिए लेकिन मैं ये देखता हूँ कि sin 45 में लंब बटे आधार की बात करते हैं, चलिए तो देखिए sin कितना होता है लंब बटे आधार, तो ये तो लंब हो गया एक, आधार हो गया आपका कर्ण कितना हो गया √2, तो वही आधार निकालने के लिए क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर अंडर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया प्लस 1 इज़ इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, तो यानी कि अगेन इसकी माइनस करना होता है, सॉरी ये माइनस में है, तो 2 माइनस 1 1 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1। अब tan 45 की वैल्यू निकालेंगे, तो 45 थीटा तो सेम है, तो इसकी वैल्यू क्योंकि लंब बटे आधार, लंब है एक आधार भी है एक, तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है tan 45 की वैल्यू आ गई 1। तो क्वेश्चन नंबर 239 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 239 का करेक्ट आंसर हो गया सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 240, 240 साइन 30 का मान कितना होगा यदि कॉस 30, कॉस 30 का मान कितना दे रखा है आपको अंडर रूट 3/2, अभी पूछ रहा है साइन 30 का मान, तो देखिए भाई ये वाला डायग्राम अपना लीजिए, ये वाले डायग्राम पे देखते हैं अपन लोग, तो कॉस 30 यानी कि देखिए आधार बटे कर्ण, तो ये आधार है यानी कि रूट 3 दे रखा है, कर्ण ये दे रखा है, अब आपको लंब निकालने, तो भाई कर्ण स्क्वायर माने आधार स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ आ गया 1, यानी कि ये 1 क्या आ गया आपका लंब की वैल्यू आ गई। तो अब इसमें कॉस 30 की वैल्यू देखिए पूछे किसकी थी साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू गाइस क्या होती है लाल लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान आ गया 1, कर्ण का मान 2 था, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका 1/2, 240 का करेक्ट आंसर आ गया 1/2। तो चलिए अब आपके मात्र 7 क्वेश्चन और रह गए हैं, और उसके बाद हमारा मैथ्स का पूरा निम्मी के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, तो इसी बात पे आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया था तो तुरंत अभी के अभी शेयर भी कर दें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 241 देखिए क्या कहता है 241 कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, तो क्वेश्चन नंबर 241 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब कुछ दूरी वाले सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 242 कह रहा है, क्या कहता है कि आपके पास एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई क्या है 2.5 मीटर है, तो ये सीढ़ी है इसकी लंबाई है 2.5 मीटर, और ये दीवार के साथ भूमि जमीन के साथ दीवार से कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हाइट का मान कितना होगा, तो हाइट की वैल्यू देखिए गाइस साइन का एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एच अपॉन ये जो कर्ण की लंबाई, यानी कि 2.5 हो गया, अब एच आपको निकालना है साइन थीटा कितना है 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, साइन 60 की वैल्यू अभी हमने देखी थी अंडर रूट 3/2, ये थीटा तो 60 के बराबर हो गया ना अंडर रूट 3/2 एच अपॉन 2.5, बस अब क्या करोगे 2.5 को ऊपर भेज दो, तो देखिए क्या आ जाएगा, तो 2.5/2 अंडर रूट 3, अब आपको क्या करना है ये एच के बराबर आ गया, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.165, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेटर की मदद से, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, ये दे रखा है 100 मीटर, अब आपसे कहता है कि एसी की भुजा क्या होगी यानी कि हाइट आपकी क्या होगी, तो अगेन हाइट का आप देखिए जब ये वाला दे रखा हो तो साइन का फॉर्मूला, और आपको ये वैल्यू दे रखी है ये पूछिए, तो आप टेन का फॉर्मूला लगाओगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया एच अपॉन 100, अब टेन थीटा यानी कि टेन 60 की वैल्यू, तो टेन 60 बराबर एच अपॉन 100, तो टेन 60 का मान गाइस कितना होता है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इंटू 100 बराबर एच, तो ये आएगा आपका आंसर, और इसको सोल्व करने के बाद आपका आएगा 173.2 मीटर आपका आंसर आएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 244,
244 में कहता है कि एक भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, यदि एक दीवार सिद्धि पर 45 डिग्री का कोण बनाती है और भवन से 16 मीटर की दूरी पर है। सेम ये क्वेश्चन है, हाइट निकालनी है, एंगल इस बार 45 दे रखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, टेन 45 बराबर एच अपॉन 16। अब आपको मुझे इसकी वैल्यू कमेंट में बतानी है, आप लोगों को कमेंट करके, जिससे मुझे पता पड़े कि आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे थे। मुझे पता है ऐसे पड़ेगा कि लोगों ने एंड तक वीडियो देखी नहीं देखी, तो जो भी बच्चा यहाँ तक पहुँच चुका है तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताए 10 45 = h/16 की वैल्यू कितनी आएगी। चलिए सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245 कहता है एलिवेशन कोण ज्ञात करें, यदि एक लाइट हाउस जिसकी ऊंचाई 15 मीटर पे आधार से दूरी 15 मीटर है, दोनों 15 मीटर है, देखिए हाइट भी 15 मीटर दे रही है, ये भी 15 मीटर दे रही है। अब आपको एंगल पूछा गया है, तो कोई आसान काम, बहुत ज्यादा आसान काम हो गया ये तो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये दोनों वाली दे रही है तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, जब भी नीचे के लिए टेन थीटा का लगेगा 15/15 यानी कि 1, और थीटा का मान 1 का पता है जब 45 होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 45, करेक्ट आंसर हो गया 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 246 देखेंगे, 246 क्या कहता है, एक आपको डायग्राम दे रखा है इस तरीके से, इसमें आपका जो एंगल है वो थीटा पूछा है, ये 100 दे रखा है और ये 100/√3 दे रखा है, तो भाई टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा के मुझे 246 नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों से ही चाहिए, कमेंट करके बताइए आप लोग। अगला कहता है आंख की सतह से ऊपर देखने के लिए क्या टर्म, जो मेरी आंख की सतह है उससे आप ऊपर देखते हैं तो उसे कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एक ट्राइंगल है ना आप यहाँ से देखते हो इसे कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। सो गाइस ये थे आपके टोटल 247, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी, सारे क्वेश्चन मैंने रिवीजन करा दिए, हाँ थोड़ा माइक वगैरह की प्रॉब्लम है इसलिए आपको वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी, उसके लिए एडवांस में मतलब सॉरी चाहते हैं हम लोगों से, आगे ध्यान रखेंगे, बट यहाँ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दे तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। इस वीडियो को जितना हो सके आपके जितने भी आईटीआई के, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रीशियन का पूरा सबका सिलेबस सेम होता है फर्स्ट ईयर का, तो आपके चाहे किसी भी ट्रेड के दोस्तों सबके साथ शेयर करें। एक और बात ये कि ईएस की भी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दी, अपलोड कर दी है, तो वो भी जाके जरूर देखें, और इसके बाद एक बार जब आपके एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद इतनी शानदार शानदार वीडियो हम लोग इस चैनल पर देखने वाले हैं, तो इसलिए आपको चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि जब भी मेरी नई वीडियो है आप लोगों तक जरूर पहुंचे, और वीडियो को लाइक करते रहे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।